तो एक चीज़ होती है जो PLR से नहीं हो सकती, लेकिन आई थिंक एस्ट्रोलॉजी से हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस आपके अगले जन्म का भी होता है, राइट PLR में वो नहीं हो सकता। हो सकता, नहीं होता है, फ्यूचर फ्यूचर रिलेशन भी होता है। हाँ फ्यूचर लाइफ फ्यूचर रिलेशन भी वो प्रोग्रेशन होता है, अच्छा, प्रोग्रेशन होता उसमें है। हमें अगले जन्म में क्या हो सकता है वो दिखता दो है। चीज़ें उसमें, दो ये चीज़ें मैंने पहली बार सुना है। तो जो फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म जब वो ले रहा है XO, मुझे उसके बारे में आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा बताओ ना, कि अब मेरा तो कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ भाई इस दुनिया में, तो मैं किस हिसाब से कर्म करूँगा या उस किस हिसाब से इस क्वेश्चन से भोगूंगा? पहले ब्लैक मैजिक के लिए क्या चाहिए होता है? यहाँ तो आपका पसीना चाहिए होता है, ठीक है, तो आपके ही धुले हुए जो कपड़े नहीं है या जो गंदे कपड़े हैं धुलने से पहले, तो उन्हीं का एक्सेस हो सकता है, ठीक है, या फिर उनके पास ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि आपको आपके घर आए, आपको कुछ खिलाया या आपको बुलाया, आप गए उनके घर, आपको कुछ ऐसी चीज़ खिलाई। वेलकम टू तरुण शर्मा शो, और आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। रीज़न बिंग, क्योंकि आज हम ना ऑकल्ट साइंस की, मेरे ख्याल जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, हम आकाशिक रिकॉर्डिंग के ऊपर बात करेंगे, हम PLR के ऊपर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे, ब्लैक मैजिक के ऊपर भी बात करेंगे, और भी एक दो बीच में टॉपिक्स हैं जो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो देखते रहना, पूरा बहुत अमेजिंग एपिसोड होने वाला है। और आज इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कपल, तुलिका जी और गुरप्रीत जी। वेलकम टू तरुण शर्मा शो, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थैंक ठीक यू वेरी है मच फॉर कॉलिंग अस। सर, शुरू करें फिर आज का पॉडकास्ट। हाँ जी मैम, हम लोग ना पास्ट लाइफ से शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए कि एक तो पास्ट लाइफ होती भी है आपने तो ऐसे पूछे जैसे भगवान होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि मुझे ना खुद को बिलीव नहीं होता थोड़ा सा कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, और मतलब उस जन्मों में जाके मुझे कुछ दिखाई भी देगा तो मुझे बिलीव नहीं होता। तो मैं, आप लोग एक्सपर्ट हो तो आप मुझे ज़्यादा बेटर बता पाओगे। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मैं डाइसी हैं, डाइसी हूँ भगवान, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, मुझे, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। हाँ तो रिलीजियस होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि कोई है पर ना, कौन है ये सुप्रीम नहीं एनर्जी पता। में मानते हैं, सुप्रीम हाँ, एनर्जी को मानते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बिना किसी उसके तो नहीं चल सकती। बिल्कुल, तो वो सुप्रीम एनर्जी का ही पार्ट है पास्ट लाइफ भी, क्योंकि जब सुप्रीम एनर्जी ने जीवन बनाया है, मृत्यु बनाई है, सुबह बनाई है, शाम बनाई है, दिन रात बनाया है, तो उसने पूर्व जन्म भी बनाए हैं, उसने आने वाले जन्म भी बनाए हैं, तो ये तो जीवन चक्र है और चल रहा है, तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है। चीज़ें जो है यहाँ पे हैं, वो आप कैसे ले रहे हो ये आपका नज़रिया है, लेकिन होता ज़रूर है। ज़्यादा एक्सप्लेन जो सर अच्छे से बताते हैं पास्ट लाइफ के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने बोला आप सुप्रीम एनर्जी में मानते हो, अब माना ये जाता है एज पर ऋग्वेद, ठीक है, अब मैं वेदों का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, वहाँ पर नाम अलग अलग हैं, पर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अलग नामों से उस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि सुप्रीम एनर्जी से ही सारे के सारे सोल्स की उत्पत्ति हुई, तो जब वो उत्पत्ति हुई तो उसको कहते थे सोल, ओके, ठीक है। उसने जब जन्म लिया तो पहले, सबसे पहले जन्म लिया उसने नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं। अब ये स्टोन है तो हम कहते हैं कि इसमें लाइफ नहीं है, बट इसमें एनर्जी तो है। तो सुप्रीम एनर्जी में से जो चीज़ निकली उसके अंदर एनर्जी है, मोटी मोटी बात। तो उसने वो सारे के सारे जन्म लिए जितने भी एनर्जी वाले जन्म थे, लाइफ थी या नहीं थी वो बाद की बात है, उस टॉपिक पे नहीं आएंगे अभी। जब ये नॉन लिविंग थिंग्स वाला चक्र ख़त्म हुआ तो उसके बाद आ गए हम प्लांट्स पे। अब प्लांट्स भी कई तरह के होते हैं, कुछ आपको मेडिसिनल वैल्यू देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ आपको फल देते हैं, कई फूल देते हैं, हर तरह के, नेक्टर होता है, हनी होता है, तो ऐसे हर चीज़ आपको प्लांट से मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो जो जानवरों तक को ख़त्म कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक फ्लावर्स होते हैं तो उसके ऊपर अगर भंवरा बैठे तो अपने आप को सिकोड़ लेता है, ठीक है। ऐसे कुछ पेड़ भी होते हैं कि जानवर अगर उसकी लपेट में चला गया तो वो अपने आप को बंद कर देते हैं, और जब तक उसका दम नहीं निकलेगा तब तक वो खोलते नहीं। तो हर तरह के प्लांट्स, अमीबा वो प्लांट भी और एनिमल भी, तो उसके बीच का एक लिंक आ गया। जब ये प्लांट्स के बाद, यानी कि पहले नॉन लिविंग थिंग्स और फिर आ गया प्लांट्स, प्लांट्स के बाद अगला जो जन्म आता है वो आता है जैसे जानवरों का, जलचर होते हैं, परिंदे होते हैं, ऐसे हर तरह के जन्म होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं।
तो ये नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स, हर तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, हर तरह की चीज़ें, उन सबको करने के बाद जो लास्ट आपके पास बचती है योनि, वो ह्यूमन योनि बचती है। अब ह्यूमन योनि के पास दिमाग है, ठीक है, उसके बाद वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अब वो फंस जाता है कर्मों के चक्र में। बाकी सब योनियां तो एक एक जन्म करके आप करते रहे, पर ये योनि खत्म की अगली योनि में चले गए, ये योनि खत्म की अगली योनि में चले गए, पर ह्यूमन में आने के बाद आप कर्मों में फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि अब आपके पास समझ है, आपके पास फीलिंग्स है, आपके पास सब कुछ है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप किसी को अपनी जबान से बेवकूफ़ नहीं बनाते और समझदारी की बातें भी बताते हो। आप चाहो तो बड़े प्यार प्यार से छुरी चलाकर किसी की लाइफ खराब कर सकते हो, पर वहीं पर आप कड़वे शब्दों में कोई और बात समझाकर उसकी लाइफ को स्टेबल भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मली पेरेंट्स भी करते हैं, ठीक है, हर चीज़ समझाने का तरीका होता है, तो वो कर्म बंधन बन जाता है। कहते हैं कि हम जब कोई भी क्रिया करते हैं तो या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, क्रिया तो क्रिया है, अच्छी है तो अच्छे कर्म बन गए, बुरी है तो बुरी कर्म बन गए। अब जो ये सारा कुछ इकट्ठा होता जाता है, एक मटका से मान लेते हैं, मटके में सारा इकट्ठा होता गया, अब उसमें से अगर हम एक ग्लास निकाल रहे हैं तो हमें पता नहीं ना कि चौथे जन्म का कितना पार्ट आ गया, आठवें जन्म का कितना पार्ट आ गया, सोलहवें जन्म का कितना पार्ट आ गया, तो एक मिक्सचर बन के आपके पास, एक प्रारंभ बन के आपके पास आ गया। अब आप उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जो एक्सपीरियंस है वो देखने आए हो। आपने किसी को कभी, आपने किसी जन्म में किसी अपने एम्प्लॉय को मान लो कि आपसे कुछ मांगने आया था, आपने ऐसा धुतकारा हो कि उसके मुंह पे लात मारी, तो लात मारी आपने, आज आप खाओगे तो वो जो दिया था वो लेने आए, सही है, ठीक है। आपने किसी ने आपसे आके बोला कि मेरी माँ बीमार है, मुझे आपकी सहायता चाहिए, और आपने सहायता दी, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हो और आपको भी कोई सहायता मिल जाए, बिना मांगे मिल जाए, तो जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं जो बोओगे वो काटोगे, ठीक है। तो ये जितना भी कर्म के साथ चलता जा रहा है, और जब हमने पुराना बोया और नया काटने आना है, तो फिर वो पुराने जन्म में किया और अगले जन्म में काटने आना है, तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा होता है। तो गुरप्रीत जी, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मुझे एक बात बताइए, जैसे एक ह्यूमन लाइफ ही है जिसमें हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है, जिसको काउंट किया जाता है, तो मेरा तो अब मैंने, मेरा ह्यूमन फॉर्म है, मेरी डेथ हो गई, तो क्या मैं फिर से वो पूरा 84 लाख योनियां काट के आऊँगा? नहीं नहीं, आपका पास फ़ोन है, ठीक है, आपने फ़ोन शायद 10-11 साल पहले नोकिया होगा आपके पास, ठीक है, फिर सैमसंग आया, थोड़ा कलर्ड फ़ोन आया, फिर उसके बाद स्मार्टफोन आया, उसमें रैम कम थी, शायद 128 MB थी, ठीक है, फिर 256 आई, फिर 1 GB आई, फिर 4 GB आई, आज की डेट में हो सकता है 8 या 12 GB वाला हो। क्या कर रहे हो आप फ़ोन के साथ? अपग्रेड कर रहे हो, और हर दूसरे दिन आपके पास अपडेट्स आ जाते हैं, अपडेट होता जा रहा है। हो सकता है अभी आपके पास आईफोन 15 हो, इस बार 16 लॉन्च हुआ, तो 16 नहीं होगा तो अगले साल 17 नहीं होगा, क्या कर रहे हो? अपग्रेड कर रहे हो। भगवान ने क्या किया? भगवान के डाउनग्रेड कर देंगे आपको। अरे हम जब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो भगवान क्या डाउनग्रेड कर सकते हैं? पर मैंने सुना है कि लोगों ने जब पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो देखते हैं कि हम लोगों का, मतलब जैसे हम लोग पिछले जन्म में जानवर भी थे। हाँ, ऐसा भी होता है, होते हैं। तो मतलब एक बार अगर आपका ह्यूमन लाइफ आ गया तो उसके बाद आप वापस जन्म ह्यूमन ही होगा? नहीं नहीं नहीं, आप, हाँ, ये जो सवाल है इसका जवाब बिल्कुल सही है, एक बार ह्यूमन हो गया तो दोबारा तो ह्यूमन ही होगा, पर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब पहले मैं उस चीज़ पर आता हूँ कि किसी ने अपने पुराने जन्म को देखा जानवर के रूप में। ऐसे केस आया था, आपको रियल टाइम केस बता रहा हूँ, मेरे पास एक सज्जन आए, तब ना मैं फ्रीलांस करता था, ठीक है, तब क्योंकि 2007 से चीज़ें सीखता आ रहा था, तो कोई भी काम प्रैक्टिस के बिना ठीक नहीं होता, तो मैं फ्रीलांस किया करता था। उस समय मेरे पास एक बुकिंग आई और सज्जन आए थे शायद भोपाल से, मैंने ये बात ना पहले भी कभी बता रखी है अपने किसी ना किसी वीडियो में, तो आए तो कहते कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शायद डायरेक्टर हूँ या क्या हूँ, मेरे पूरी बात याद नहीं, बड़े बुजुर्ग थे वो, बहुत क्लोज थे अपने रिटायरमेंट के, तो कहते मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, भगवान बुद्ध पर बहुत रिसर्च की है, तो उन्होंने ये अपनी किताबों में लिखा है कि अपनी जात को पहचान। ओके, तो मैं देखने आओगे मैं जात क्या थी मेरी, मैं कहा ये सवाल आप किस कॉन्टेक्स में ले रहे हो, जात यानी कि रिलीजन या जात यानी कि आपकी सोल क्या थी? कहते ऑफ कोर्स मेरे रिलीजन,
तो मैं कहा अग्नि क्या हो आप? कहते मैं ब्राह्मण। मैं कहा सर एक क्वेश्चन गलत है आपका। कहते क्यों? मैं कहा अगर मान लो किसी पुराने जन्म में आप आबेदली हुए तो आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, और अगर आप रामानुज शास्त्री का लाए फॉर एग्जाम्पल तो ठीक है, किसी का भी लेना वैसे गलत है, कोई हो सकता है रामानुज शास्त्री को ऑफेंडेड फील ना करे, तो अगर आप ऐसे किसी नाम के साथ निकल आए तो आप बोलेंगे कि भैया मैं तो ब्राह्मण ही था, आज भी ब्राह्मण, मैं तो वही सब कुछ चला आ रहा है। तो मैंने ये तो गलत हो जाएगा। कहते नहीं, तुम देखो तुम कितने साल के हो, मैं कितने साल का, मेरे पास तो तजुर्बा ज़्यादा है, तो बहस मत करो, मेरा सेशन करो। अब वाकई में इतने बड़े बुजुर्गों के साथ बहस नहीं हो सकती, और मेरा भी नेचर भी नहीं है ऐसा कि मैं बहस करूँ। तो मैं चलो जो भगवान को सही लगता है वो करते हैं, तो वो काम ने सेशन किया। अब जब वो अपनी पास्ट लाइफ में गए तो उन्होंने अपने आप को नेवली के रूप में देखा। अच्छा। अब जब वापस आए तो ही एक्सेप्टेड कि हाँ मेरा सवाल गलत था। भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि अपने आप को एज ए रिलीजन देखो क्या है, अपने आप को देखो कि आपने कैसे कर्म कर रखे। कहते हैं कि दृष्टा बन के अपने आप को देखो, फिर आप अच्छे समझ पाओगे कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तो वो तो आप अपनी आज की लाइफ में भी देख सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए, अगर वो नेवला थे तो उनके जो किए हुए कर्म है वो तो काउंट नहीं होंगे? काउंट नहीं होंगे। तो अब जब उन्होंने ह्यूमन जन्म लिया तो उनका तो कोई प्रारब्ध ही नहीं होगा? नहीं, प्रारब्ध था। वो कैसे करके आए थे? देखो जो अपनी लाइफ लेके आए थे ठीक है, उसमें आज की डेट में बहुत, आज तो नहीं खैर काफी साल पुरानी बात है, तो उस समय में वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ऊंची पोस्ट पे थे ठीक है, यानी कि उनका जो प्रोफेशनल लाइफ थी वो अच्छी थी, पर उनका एक पांव दब के चलता था, मतलब थोड़ा सा जैसे पोलियो होता है ना वैसा था, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है ठीक है। तो वो प्रारब्ध था तभी तो वो झेल रहे थे। ये सवाल पूछते कि मुझे पोलियो क्यों हुआ, तो उसका जवाब मिल जाता कि आपने पास में किसी ने क्या बुरा किया था। तो ऐसा नेवला तो उनके तो कर्म ही काउंट नहीं हो रहे ना? नहीं काउंट हुए ना, नहीं सवाल गलत था, तो उनको जन्म तो वैसा मिला देखने को मिला। मैंने कहा कि आप क्वेश्चन क्या लेके आए हो, उसी की थीम पे तो आप जाओगे, आप सोल्यूशन लेने आए हो, वो क्वेश्चन लेके आए कि आपकी जात क्या है, तो वो अपनी जात देखने गए, उनको जवाब ही नहीं मिला अपने आप को। मतलब कभी ना कभी वो ह्यूमन फॉर्म में रहे होंगे उससे पहले, लेकिन उन्होंने जन्म वो देखा जहाँ पे कहीं कोई जात थी, आप तो जानवर थे, अब पता कर लो क्या जात थी। तो भगवान कहते ले तो अपना सवाल लाया था, ले जवाब ले ले, समझ सकते समझ ले। तो इससे ये बहुत एक सही सवाल मेरे दिमाग में आया, अभी कोई एक सोल है, अभी वो जानवर है, उससे पहले उसने कभी ह्यूमन फॉर्म नहीं ली है ठीक है, या जानवर है या पेड़ है, उसके बाद जब भी उसका जो फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म जब उसको मिलेगी तो उसका कोई पास्ट लाइफ का उसका कार्मा नहीं है। हाँ, नहीं है ना, तो वो उसकी वो जो लाइफ है जो फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म जब वो ले रहा है एक सोल, मुझे उसके बारे में आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा बताओ ना कि मेरा तो कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ भाई इस दुनिया में, तो मैं किस हिसाब से कर्म करूंगा या किस हिसाब से भोगूंगा? इससे पहले आपका एक क्वेश्चन और था, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं कि क्या इस जन्म के बाद मुझे 84 लाख योनियाँ या फिर जानवर वाली योनि में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन क्या है? सुसाइड, आपको जन्म मिला जीने के, एक्सीडेंट हो गया तो आपकी मर्जी से नहीं हुआ, पर सुसाइड आपने अपनी मर्जी से किया, हो सकता है आपकी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब थी, पर फिर भी सोचने समझने की क्षमता भगवान ने आपको दे रखी है ठीक है। तो उस सोच समझ के बाद अगर आप कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं जो भगवान के अगेंस्ट हो, भगवान ने तो आपको आयु दी थी मान लो 50 साल, आप 30 साल की उम्र में जाके सोसाइटी ले तो 20 साल ख़राब कर दी ना आपने, तो फिर वो आपको ऐसी योनि मिल जाएगी कि आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, डिग्रेड हो जाओगे आप, डिग्रेड आप डिग्रेड, मतलब वो आपको 20 साल निपटाने हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो ऐसे फॉर्म में रहोगे जिसकी एज ही 20 साल हो, व्हाटएवर। कई बार अच्छा ये सोसाइटी पेश में से बताया मैंने, अगर ये अकाल मृत्यु होती, अकाल मृत्यु होती, एक्सीडेंटल डेथ होती जबकि आयु लिखी थी 50 साल या किसी की क्लियर कराई की वजह से, जो ब्लैक मैजिक वाला टॉपिक है, अगर उसकी वजह से किसी की डेथ पहले हो गई तो हो सकता है कि वो अगली जो जन्म ले वो उतने ही 20 साल पहले। फॉर इंस्टेंस जैसे आप मान लो यहाँ से जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मनाली जा रहे हो, रस्ते में आपका स्टॉपेज आ रहा है जी, आपने बोला कि चलो यार चंडीगढ़ एक नाइट स्टे कर लेते हैं, यहाँ से तकरीबन 250 किलोमीटर, अगले दिन आपको 350 किलोमीटर ही चलना, दोबारा वो 600 किलोमीटर तो नहीं चलना। तो वैसे ही है कि जितना आपने चल लिया चल लिया, बाकी को आप अगले जन्म में जियोगे। अगर वो आपकी खुद की विल से नहीं हुआ था, भगवान कहते हैं जो तेरा बच गया पहले वो जाके निपटाया, क्यों? क्योंकि तूने अभी जो सीखने गया था वो सीखा नहीं पूरा,
अगर तेरा पर्पस ऑफ लाइफ हल हो गया तब तो रहने दे, कोई बात नहीं, तब तो मैं अगली आयु में उसको ऐड कर देता हूँ, दीर्घ आयु बना देता हूँ और। पर अगर तुमने वो नहीं किया पर्पस ऑफ लाइफ तो इसको पहले करके आओ, फिर वो दूसरे किसी परिवार में आपको जन्म मिलता है, उतनी आयु मिलती है। फिर लोग कहते हैं ये तो और ये इसके साथ तो काम ये तो बेचारा और खराब हो गया। हाँ हाँ, तो वो डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, तो ये अब भगवान की चेन है, भगवान को ब्लेम तो नहीं किया जा सकता। फिर वही बात है, आप भगवान में शायद बिलीव नहीं करते पर सुप्रीम एनर्जी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, अब आपके सवाल में दोबारा रिपीट कर। मेरा सवाल ये था कि अगर ये मेरा पहला जन्म है एज ह्यूमन, मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है, तो इस लाइफ के जो मेरे कर्म है वो मैं किस हिसाब से करूँगा? क्योंकि मैं कुछ भोगने तो आया नहीं हूँ, मेरा तो कुछ पिछला वो खाता है नहीं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि मैंने पिछला ना कोई अच्छा किया है ना बुरा किया। बिल्कुल सही बात है। तो वो कैसे चलता है? अब देखो, आपने जब भी कोई सोल अपना जन्म लेती है ना, तो पुराने कर्मों के बेसिस पे उसे पेरेंट्स की चॉइस मिलती है। तीन भी कह सकते हैं, पांच भी कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम कितने मिलते हैं। ये तो जब उस स्टेट में कोई होता है तब भी उसको पता होता है, इस लाइफ में आने के बाद तो पता नहीं होता। ठीक है, पर हर जगह यही माना जाता है कि आपको चॉइस दी जाती है एज पर द पर्पस ऑफ लाइफ। अब पहला जन्म जब आपको मिला है तो आपका पर्पस क्या है? क्रिया करो जाके, अब क्रिया अच्छी करोगे या बुरी करोगे? हर इंसान के स्पिरिट गाइड जरूर होते हैं। ठीक है, बचपन में आए थे, कभी क्लासरूम थी, एक बच्चा लेके आया बड़ा अच्छा सा शॉर्पनर या कोई भी ऐसी कोई चीज लेके आया, बड़ी फैंसी सी थी। हमने उसको बोला, मुझे भी दिखा, उस बात नहीं नहीं पापा ने बना किया, ये बाहर से आया, इम्पोर्टेड है, सिर्फ दूर दूर से देखो, हाथ नहीं लगाने दूंगा। उसने उसको संभाल के बैग में रख लिया। अब बच्चा हो सकता है टीचर के पास नोटबुक चेक कराने गया था, या फिर वॉशरूम गया था, या कैंटीन गया था, रिसेस थी, जो भी था, अपने बैग का उसने ध्यान नहीं रखा, आपने उसके बैग में हाथ डाल दिया। अगर तो देखे नहीं डाला था तो देख के आपने अंदर रख दिया। पर एक बात को समझो, जब भी पहली बार हम ऐसा कोई काम करते हैं कि किसी के बैग में हाथ डालते हैं, तो अब होता है कि हमारा, जैसे कहते हैं ना, हार्ट कम्स टू योर माउथ। ठीक है, तो आपका ना गला सब दब जाता है, भारीपन लगता है, वो आपको स्पिरिट गाइड बताता है गलत कर रहे हैं। आगे तेरी मर्जी, क्योंकि कर्मा तो आपके है। उसका काम है सिर्फ पहली बार इंडिकेट करना, लाइफ में पहली बार इंडिकेट करना। पहली बार अगर आपने वो हाथ बाहर निकाल ली खाली, तो फिर तो कर्म अच्छे बन गए। पर अगर आपने निकाल के ऐसी की तैसी दे दी, तुम दिखा नहीं रहा, मैं रख ही रहा हूँ, तो फिर कर्म आपने बना लिए। तो ये यात्रा आप करने आए। तो उस टाइम में माना यह जाता है कि पहली जो लाइफ होती है, चाहे वो स्टोन एज की थी चाहे वो आज की, आपकी लाइफ वो ईजी होती है, क्योंकि आप पुराना कुछ लेके नहीं आए, बट जो बनाने आए हो उसमें से कुछ ना कुछ यहीं पर भोगते रहो। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कुछ कर्मा यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसको रिवॉर्ड नहीं मिल जाता है। चोरी यहीं की थी, इसी जन्मदिन की थी, जैन इसी जन्मदिन हो गई, पिछले जन्म को बताता है। कॉम्बिनेशन है ये हमारा 12 एंड 9 का। इसमें क्या होता है कि आप 12 और 9 क्या हुआ, आपका 9 जो है हमारे प्लैनेट्स है हमारे, और 12 हमारे जोडिक साइन है, और 12 ही हमारे जो है हाउस सिस्टम है, जो 12 घर हमें दिए गए हैं। उस 12 घर के अंदर ही पूरी ज्योतिषी अंदर घुसी रही है, जिसमें आपका आज का प्रेजेंट, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपके आने वाले बच्चे कैसे होंगे, आपके पार्टनर कैसे होंगे, इन फ्यूचर आपके जन्म कैसे होगा। जब क्वेश्चन आते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि मेरी आयु कितनी है, मैं अच्छी आयु जीऊँगा, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, ठीक है, आप कई बार आते हैं एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ गई है ऐसी नहीं दिखी जा, तो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि शायद उसके पिछले जन्म के कर्मा होंगे जो उस समय यहाँ पे भोग रहा है। तो वो हम एस्ट्रोलॉजी का पांचवा भाव देखते हैं, फिफ्थ हाउस, फिर उसको कंसीडर करते हैं कि वो फिफ्थ हाउस में जो है लगन उसको कंसीडर करेंगे, फिर देखेंगे कि उसमें उसकी प्लेसमेंट इस वक्त कैसी चल रही है। अगर फिफ्थ हाउस में जैसे शनि बैठे हुए हैं, तो शनि हमारे बहुत स्लो प्लैनेट है, स्लो चल रहे हैं, तो हो सकता है, और न्याय के दाता हैं, अगर तो वहाँ पे ये दिखाते हैं कि आप कुछ ना कुछ पिछले जन्म के कर्म लेके आए हुए हो, कुछ कार्मिक्स अधूरे छोड़ के आए हुए हो जो अभी इस जन्म में भोग रहे हो,
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं फॉर द पास्ट लाइफ. साथ में इसके अंदर रूल आ जाता है कि हम प्लैनेट्स को भी कंसिडर करते हैं, जैसे सिक्स्थ हाउस हो गया, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इनको हम दो स्थान भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में. अगर इनमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य बैठा हुआ है सिक्स्थ एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में और वो भी तुला लग्न में, तो आप जो है ना अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत बहुत बुरे कर्म किए, भ्रष्टाचारी थे आप बिल्कुल. हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचारी, सही शब्द बोला, भ्रष्टाचारी थे आप बिल्कुल, ठीक है. और ऐसे व्यक्ति जब होते हैं ना तो इन इस लाइफ में क्या होता है उनके साथ में, जितना मर्जी कुछ करने कभी उनको नेम फेम नहीं मिलता. गलती कोई दूसरा कर रहा होगा, नेम उस पर आ जाएगा, भाई इसी ने किया होगा. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्होंने बोला सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, अगेन वो पीड़ित है, ठीक है, या उसमें तुला राशि में सूर्य बैठा हुआ, तो अब क्या होता है सिक्स हाउस एक्चुअली रोगों के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए. अगर आपका सूर्य वहाँ पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको रोगों से तो वंचित कर देगा पर आपको कॉम्पिटिटर्स भी दे देगा. एट्थ हाउस से हम ज़्यादातर देखते हैं इन-लॉज को, वो वहाँ बैठ गया, इन-लॉज से वंचित कर दिए. इन-लॉज से वंचित कर दिया इसका मतलब क्या होता, शादी नहीं टिके, शादी हुई ना, मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने बात पास्ट लाइफ से की थी लेकिन हम करते हो उसमें हमारे सूर्य पे, तो अभी बताओ जो सूर्य जो हमारा प्लैनेट है ना, अगर एस्ट्रोलॉजी में हम बात करें तो जिस भी वो घर में बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा ना, आपको उस घर से रिलेटेड चीज़ों में जो है कमी कर देगा सूर्य. सूर्य अच्छा, और जबकि ये सबसे मेन प्लैनेट माना जाता है जो आपको यश और वो भी देता है. जिस घर में बैठेगा, सिंपल सिंपल जैसे हम 12 जैसे आपको शुरुआत में बताया 9 और 12 का हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है. अगर आपके सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ गया ना, तो आप कह रहे हैं सूर्य खुद जल रहा है और सबको रोशनी दे रहा है, राइट. सूर्य आग का गोला है, ठीक है. अब ऐसा व्यक्ति खुद जो है ना, ऐसे व्यक्ति को खुद बीपी का प्रॉब्लम रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं स्किन का भी जैसे होता है ना एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य जलन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो खुद को जो है ना दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करेगा. अच्छा, वो दूसरों का भला करता रहेगा और उसकी खुद ऐसी तैसी होती रहेगी. अच्छा, लेकिन अपने से तो वंचित हो गया ना आज के टाइम में. अगर हम बात करें तो बंदा सबसे पहले अपने आप को रखता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरों को पहले देख रहा है. सेकेंड हाउस में आ जाएगा तो क्योंकि सूर्य ईगो है तो फैमिली से नहीं बनी, परिवार होगा उसका, अच्छा परिवार होगा लेकिन कहीं ना कहीं उसके चलती रहेगी प्रॉब्लम, चलती रहेगी कुछ ना कुछ. थर्ड हाउस का जो आगे अगर सूर्य, तो थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन देखते हैं, लड़ाई झगड़ा, पटरी आने को, ये तो फोन है. और फिर बाकी और भी प्लेसमेंट्स मैटर करती हैं, हो सकता है अपनी मित्र राशि में बैठा हो तो अब न्यूट्रल कर दे, तू तो अपने जगह काम कर, मैं अपनी जगह काम करूँ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि सूर्य जिस भाव में बैठा है ना उस ग्रह के बाकी उस हाउस के बाकी चीजों को खराब करता है, आपको वंचित करता है, उसके सुखों में कमी करता है. सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे कुछ टाइम पहले आपका टेम्परेचर रखा था, बहुत हाई चल रहा था, बहुत गर्मी थी, उस टाइम में हर कोई सोच रहा था कि हम हिली एरिया में चले जाएँ, ठीक है. अब हम उस टाइम में अगर सोचेंगे तो कहेंगे यार पहाड़ों से अच्छी लाइफ कोई नहीं, मौसम बेटर होता है, पर पहाड़ों से गंदी लाइफ भी कोई नहीं है, जब बारिश है और बारिश बर्फ पड़ती है, वहीं पर नदियाँ होती हैं पर वहीं पर पीने को पानी नहीं मिलता, ठीक है, टैप्स में पानी नहीं आता, तो प्रॉब्लम तो हर जगह पर. बट क्या होता है कि किन परिस्थितियों में आप कहाँ खड़े हैं ये डिपेंड करता है. उसी तरह से कोल्ली में भी आपका प्लैनेट कौन से हाउस में किस राशि के साथ खड़ा है और साथ में उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, उस समय में वहाँ पर नक्षत्र कौन से चल रहे हैं, गोचर में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठ, तो इन सबको जब आप कॉम्बिनेशन से होना काफ़ी बड़ा मैथमेटिक्स है. ऐसे हम टॉपिक में आते हैं फिफ्थ दोबारा से कि पास्ट लाइफ, जब हमने बताया फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य आके बैठ गया आपका, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या होता है कि मैंने कहा उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन यहाँ पे हम फिफ्थ हाउस में पिछला जन्म भी बता रहे हैं, राइट. अब इस जन्म में क्या किया कि इस जन्म में उसने फिफ्थ हाउस में उसको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो कंसीविंग नहीं होगी या मिसकैरेज हो जाएंगे, ठीक है. अब कुछ ऐसा यहाँ पे जब आया सूर्य, तो यानी कि फिर पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए हो जो इस जन्म में तुम्हें यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट मिल गई और जो तुम्हें बच्चों से वंचित कर रहा है या पुत्र प्राप्ति से वंचित या पुत्र प्राप्ति से, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि आपका वंश आपका पुत्र चलाते हैं,
राइट, तो अगर वहाँ पे आ गया तो आपने उस भाव से वंचित कर देता है। तो ये पास्ट लाइफ के कर्म्स आते हैं, यहाँ से आते हैं, और जिस टाइम यहाँ से एस्ट्रोलॉजी से आपको इतना पता चल जाता है कि आपने इस भाव में ये आया है तो आपको इस सुख में कमी होगी और ये रीज़न आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो एक चीज़ होती है जो PLR से नहीं हो सकती लेकिन आई थिंक एस्ट्रोलॉजी से हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में एक हाउस आपके अगले जन्म का भी होता है, PLR में वो नहीं हो सकता। नहीं होता है, फ्यूचर रिवेलेशन भी होता है, फ्यूचर उसमें हमें अगले जन्म में क्या हो सकता है, वो दो चीजें उसमें, दो चीज़ ये मैंने पहली बार सुना है। नहीं दो चीज़ किया हुआ है, क्लाइंट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है उसका। अच्छा, हम किसी को पास में ले रहे थे, उसको जब वापस लेके आ रहे हैं तो लेकर आकर पहला मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसने उसको इस लाइफ में प्रॉब्लम थी कि शादी नहीं हो रही थी, एज निकलती जा रही थी, कहीं जॉब नहीं टिकती थी, तो हमने बोला 5 साल बाद आगे देखो कि आप सेटल्ड हो या नहीं, ठीक है, आप शादीशुदा हो या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, जॉब कैसी चल रही, तो 5 साल आगे जो गया वो फ्यूचर में देखने गया ना, तो वो इस लाइफ का फ्यूचर देख रहा था, उसको वहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैं सेटल्ड हूँ या मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं मैं सेटल नहीं। PLR के थ्रू हम उसको फ्यूचर भी ले जा सकते हैं। वो क्या कर रहा है, वो जब हम पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हैं तो हम देखो इसको माइंड को समझना पड़ेगा। माइंड कई तरह के होते हैं, जैसे एक हो गया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सबसे छोटा पार्ट होता है, ये जैसे हमारे फ़ोन में रैम होती है वैसे होता है। उसका काम क्या है, एक आपके सामने प्रस्ताव आया कि तरुण आप यूपी का पॉडकास्ट कर, आपने लॉजिक लगाया ये मेरी ऑडियंस के हिसाब से ये फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, एनालाइज किया आपने और फिर डिसीजन मेकिंग हुई कि हाँ जी ग्रुपिक को मुझे बुलाना है या नहीं बुलाना, ठीक है। तो ये काम है कॉन्शियस माइंड का, हर चीज़ में वो लॉजिक लगाता है, हर चीज़ को एनालाइज करता है और फिर डिसीजन मेकिंग करता है। आपको घर जाना आपको क्या रूट पकड़ना, गूगल मैप को फॉलो करना है या अपने हिसाब से चलना, तो लॉजिक लगाया एनालाइज किया और डिसीजन मेकिंग हुई। कुछ भी आपने जिस बिल्डिंग में ऑफिस बना रखा है, स्टूडियो बना रखा है, यहाँ पर क्यों लिया, आप चाहते थे अपने घर के पास भी ले सकते थे, रोज़ एक डेढ़ घंटा लगा के आते भी हो, टाइमिंग आपकी ऑड हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं डिसाइड किया, तो वो सब हर चीज़ में क्या किया, लॉजिक एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये काम है कॉन्शियस माइंड का, ये एक्चुअली पार्ट है हमारे हिप्नोथेरेपी। ओके, सेकेंड आ जाता है जी सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में सब बहुत बातें करते हैं। इस सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहली बात, जब हम पैदा हुए तो हम अपना आज की लाइफ का सारा खाका लेके पैदा हुए थे, वो आपके हॉरोस्कोप में भी है, वो आपके सबकॉन्शियस में भी है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस में ये लिखा हुआ है कि हाँ जी आप इतनी क्लास तक पढ़ोगे, तो आप कैसे भी करके पढ़ोगे, चाहे आपके पेरेंट्स के पास उतने पैसे थे या नहीं थे। जो PhD करते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन तक तो पेरेंट्स का सपोर्ट लेते हैं या ग्रेजुएशन तक भी नहीं प्लस टू तक लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो अपने बलबूते पर पढ़ रहे हैं। हर किसी के अंदर वो मोटिवेशन क्यों नहीं आता, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में ये पहले से फील था, खाका बना हुआ था ना कि आपको पढ़ना है, इतना आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की डिग्री लेनी। उसी तरह से आपकी लाइफ के आगे क्या इवेंट होने वाले हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फील। आप बचपन में 2 का टेबल सीखते हो, 3 का सीखते हो, वॉवल सीखते हो, ठीक है, आप लैंग्वेज सीखते हो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी सीखते हो, वो सब कुछ आपके अंदर से हो जाती है। संस्कार सीखते हो, अपने माता पिता से जब मिलते हो तो हो सकता है पैरों को हाथ लगाते हो, कोई नया मेल आता है तो उसको एज के हिसाब से नमस्कार करते हो या फिर आप उनके पैर हाथ लगाते हो, कोई छोटा बच्चा आता है तो उसको बेटा बेटा करके बुलाते हो, प्यार करते हो, ठीक है। तो ये कैसा टच आप दे रहे, कैसे आप उसको संस्कार दिखा रहे हो, ये सब कुछ भी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपको ऐसा तो ना होता है कि मैं यहाँ से पर्ची निकालूँ, अच्छा अब मुझे ये करना है, हाँ अब मैं ये करूँगा, ऐसा तो नहीं होता, वो ऑलरेडी सेव है आपके अंदर, क्योंकि आपने बचपन में वो सीखा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चे थे ना जब आप छोटे बच्चे थे, तो हो सकता है कि आप किसी से शर्माते भी हो, घर में आता हो कि नमस्कार करना पड़ेगा, नमस्ते करना पड़ेगा, पैर हाथ लगाने पर, तो आप छूट जाते हो दूसरे को, पर फिर आपके पेरेंट्स बुलाते हैं बेटा नमस्कार करो, पैर हाथ लगाओ। सर इसमें तो अभी तो हमने फ्यूचर तो हमारा हमारे प्रेजेंट के कर्मों से डिसाइड होगा। देखो जब हम पैदा हुए तो हम जितने साल जीने वाले हैं उतने साल तक के सारे इवेंट्स उसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी चार्ट पे भी तो ये होता है कि 12th हाउस है, आप जिस समय पैदा हुए हो डेट के साथ सब कुछ
पहले ही आ गया ना, अपन का गाइडलाइन है पूरी लाइफ की आपकी, टाइम तो फिट है ना कि आपने इतना टाइम तक जीना है, इतनी आपकी उम्र है, इतना टाइम आप चलोगे, प्रोफेशन कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे। अभी छोटा बच्चा होता है, पैदा ही हुआ होता है तो पहले चार्ट लेके आ जाते हैं कि कहीं मूलों में तो नहीं है बच्चा, किसी पे भारी तो नहीं है बच्चा, इसका भविष्य कैसा रहेगा, सब चीज़ें पूछते हैं ना। तो यानी कि वो गाइडलाइन तो उसके पैदा होते ही आ गई ना आपके पास। तो ऐसे फ्यूचर ए पास ले, ये सब कॉन्शियस, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में फील होता है। तो फ्री विल कहाँ गई फिर? ये तो अगर सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, मुझे ये करना है ये करना है ये करना है, तो फिर हम अपने कर्म तो खुद बना ही नहीं रहे, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप स्टूडियो में क्यों आए? आपने पीएचडी करने की? वो तो चलो वो मेरी मर्जी है कि मैंने नहीं करी। मैं अभी आपको बताती हूँ, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि अगर हम होता सब कुछ, जैसे अगर हम बात करें ना भाग्य और कर्म की, हाँ वो एक डेस्टिनी है या कर्म है, ये बात करें ना, तो एक सवाल का जवाब बहुत लोग बात करते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, कोई सवाल जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। तो आप अगर इस टॉपिक पे आते हैं ना कि भाग्य और कर्म, तो लगता है कि यहाँ पे भी हम इसके कंक्लूजन पर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि भाग्य और कर्म आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपका भाग्य उस टाइम लिखा गया जब आपका जन्म हुआ। कैसे लिखा गया? कि जब सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में वो 9 प्लैनेट्स किस पोजीशन पे बैठे हुए थे, वो एक साइंस है ना, जो हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी, जो आदम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ऋषि पराशर की पढ़ते हैं, पराशर ऋषि की, उन्होंने लिखी और उनको उनकी चीज़ों को पढ़ के लोगों को बताया करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वहीं से उनकी चलती आ रही। तो जो उनकी पोजिशन थी उस टाइम पे प्लैनेट्स की, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बता दिया कि ये चीज़ आपके साथ अब ऐसे 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 होने वाली है, सब कुछ भाग्य के ऊपर निर्धारित है। लेकिन अब आप जैसे ये तो फ्री विल दी हुई है ना यूनिवर्स ने कि आप अपनी चॉइसेस खुद कर रहे हो, ठीक है, कर्मा तो आप ही को बना, कर्मा तो आप ही को बना दें, जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, फैमिली आने से पहले आपने आपको ऑप्शन दी जाती थी, सभी सर ने पहले बताया कि इस फैमिली में जाना है, इस फैमिली में जाना है, वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन अब क्या आता है कि कर्मों की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम से ना आपका भी कर्म आप बना रहे हो, अपने कर्म से जो है ना आप अपनी चीज़ों को बढ़ा देते हो घटा देते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ का इवेंट मिस नहीं करोगे। मैं आज आपके सामने कैमरे के आगे बैठी हूँ, मैं आज कैमरा कभी फेस नहीं करती, काफ़ी साल से हमारे चैनल्स भी चल रहे हैं, सर ही आते हैं, मैंने आते अभी जब मैं आ रही थी तो ऑन द वे थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं बात भी क्या करूँगी ना, उन्हें तो बड़ा पता नहीं जब करूँगी, मैं भी घर से निकलते हुए मैंने बात इनसे ये की थी कि देखेंगे मैं बैठूंगी कि नहीं बैठूंगी, लेकिन इससे मैं यहाँ पे आई तो एक कॉन्फिडेंस है मैं करूँगी। आपके प्लान्स कैसे से डालते हैं? मेरा राहु आने वाला है मेरी दशा में, ठीक है, तो सोशल मीडिया है, वैसे तो सोशल मीडिया है, वो आपको लेके आ रहा है कैमरे के आगे, ये आपकी डेस्टिनी है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आ रही हूँ कैमरे के आगे, पिछले 3 सालों से नहीं आई, लेकिन पहले से डिसाइडेड था, आज मैंने वैसा कर्म कर दिया। तो मतलब कि ये क्वेश्चन का जवाब तो ना एक सर्कल है, मुझे लगता है सर्कल है कि क्या वो साथ साथ चलते रहेंगे, कि क्या कर्म प्रधान है कि भाग्य प्रधान है। तो भाग्य तो उसने लिख दिया है, आपको कर्म करने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, अब ये आप चूज करो कि आप कैसे कर्म कर रहे हो और सौभाग्य को कैसे बढ़ाओगे और कैसे घटाओगे। वो यही भाग्य में आपके दो चीजें लिखी हुई हैं, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कौन सी मिलेगी। इसमें एक चीज और, जब किसी इंसान की शादी होती है तो दो लोगों की शादी होगी, अगर दोनों के ही एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसा वो समय आया है जब उनकी शादी होगी, तभी दोनों की शादी टिकती है। और अगर किसी की जोर जबरदस्ती की वजह से या फिर किसी की जबरदस्ती की एक ख्वाहिश की वजह से, नहीं मुझे तो इससे शादी करनी, कैसे मर्जी करो, तो आप कैसे भी करवा के उसे शादी करवा देते हो, तो टिकती है शादी, वो सैटिस्फाइड ही नहीं होता इंसान, ठीक है, कोई चाहता है मैं अपना करियर बनाऊँ, और जबरदस्ती उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा देते हैं, वो शादियाँ टिकती हैं। आज वो पहले टिक जाती थी, अब तो नहीं टिकती है, तो पहले विल पावर थे ना लोगों के अंदर, आज कहाँ है विल पावर, उतना पेशेंस नहीं है, कलयुग बढ़ रहा है। हाँ तो वो डिपेंड करता है, जब जो होना है तभी होगा। लोगों के डाइवोर्स होते हैं, वो डाइवोर्स कई साल चलते रहते हैं और कई से नतीजे में पहुँचते, और कईयों के मेडिएशन में जाके यूट्यूब से काम खत्म हो जाता। तो मैंने सर एक बड़ा ही मेरा स्पिरिचुअल लेवल पे क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप आकाशिक रीडिंग करते हो, तो आकाशिक रीडिंग में आई थिंक यही होता है ना कि हम उस एनर्जी से जुड़ते हैं और वो एनर्जी आपको मेरी लाइफ या जिसका भी आप रीडिंग कर रहे हैं उसकी लाइफ का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब दिखाती है। तो उसी एनर्जी ने हमको बनाया, हमारी सोल को बनाया, सब कुछ बनाया।
तो अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ जिसमें मैं खुद भगवान हूँ या मैं खुद वो एनर्जी हूँ, मैंने एक सोल बनाई, मैंने प्लांट्स भी बनाए, मैंने पूरी दुनिया बनाई, तो मैं उसमें इतना बुराई क्यों डालूँगा? आप बुराई कम डाल रहे हो। नहीं वो तो मतलब मैं ये चाहूँगा ही नहीं ना कि ये सोल्स ऐसा चाहें कि कुछ बुरा हो। अब एक बात समझो, जो हमें लाइट नज़र आती है, लाइट एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन कलर्स, ठीक है? अब वो सात अलग अलग रंग है, तो उन सात रंगों से बनकर एक ऐसी लाइट बनती है जो हमें हर चीज़ दिखाती है, जो किस चीज़ पर पड़ेगी वो चीज़ हमें दिखा देगी। उसी तरह से जो एनर्जी है वो भी अलग अलग कलर्स में फैली हुई। अब हम ना कई बार इस पर मैं आता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। लोग कहते हैं वशीकरण, वशीकरण का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े ऋषि मुनि ने या फिर किसी भगवान के आशीर्वाद से तो वो बन चीज़ बनी होगी। बिल्कुल, कहते हैं सबसे बड़े वशीकरण करने वाले तो कृष्ण जी थे। विष्णु में भी यही बात बोलने वाली थी कि जब समुद्र मंथन हुआ था सबको मालूम था, तो उन्होंने तो मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को सम्मोहित किया था, वशीकरण किया था एक तरीके से। इस चीज पे वापस आते हैं, ठीक है? हम क्या टॉपिक चल रहा था? अब वशीकरण का उतरते हैं, किसी ना किसी ने तो बनाई होगी ऋषि लोग। क्या बुरे के लिए बनाई थी? बनाई तो अच्छे के लिए थी। अब मैं आपको एक आज की करंट लाइफ पे एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसे ड्रग्स की आदत लग गई, उसके पेरेंट्स उसको समझा लें, उसके टीचर्स को समझा लें, उसके बड़े बुजुर्ग उसको समझा लें, उसके भाई बहन दोस्त कोई भी समझा लें, वो ड्रग्स नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि पुलिस वालों डंडे भी खा लेगा, पर जिससे उसको ड्रग्स मिलती है उसका पता नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता अगर वो बता दिए तो मुझे वापस ड्रग्स नहीं मिलेगी, ठीक है? अब अगर ऐसे बच्चे को वशीकरण से ठीक किया जा सकता है तो वशीकरण अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं ना। एनर्जी जो है, एनर्जी है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने ह्यूमन को ब्रेन ही दिया है। वही मेरा सवाल था कि हमें ऐसा फ्री विल दी क्यों जिससे बवाल मचे। और बवाल तो भगवान ने बदमे चला गया। देखो जैसे इन्होंने बात की अभी समुद्र मंथन की, तो उसमें क्या था, मोहिनी रूप लेकर उन्होंने दोनों को लाइनों में बैठा दिया, दैत्यों को भी और उनको भी, देवताओं को भी, देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया अमृत। अब उनमें एक सुवेभान था, वो कहता है ये तो सारा का सारा अमृत वहीं खत्म हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? वो जाके नहीं शायद सूर्य भगवान का मानव समर्पण समर्पण जो राहु केतु बने जाने, राहु केतु बने, वो जाके बैठ गया। अब उन्होंने ही तो उसको काटा था और उसने वो पी भी लिया था अमृत, तो वो जिएगा ना। तो जो सूर्य और चंद्र के साथ उसकी दुश्मनी हुई ग्रहण लगाने वाली, तो वो क्या करता है कि वो राहु जो जहां जाके बैठेगा वहां की पावर को बढ़ा देगा। तो फिर आप सोचो फ्री गए, फ्री विल तो वो तो कहीं कहीं पहुंचा देता। कोई कहता है अपनी मैं शादीशुदा लाइफ है मेरी, ठीक है, बीवी है, बच्चा है, उसके बावजूद एक लड़की के साथ उसका संबंध हो गया, तब उसकी फ्री विल है कि उस या तो उस लड़की को छोड़े और अपने परिवार को छोड़े। ऐसे ना हमारी सृष्टि के जो डायरेक्टर है ना, वो यूनिवर्स है, भगवान है। जब भी कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है ना तो उसके अंदर सारे मसाले डालता है, ठीक है ना, कि सबको पसंद आए, कहीं बोरियत ना हो जाए। तो हमारे सुप्रीम भगवान ने मुझे खुद यही लगता है कि भगवान ने ना एंटरटेनमेंट के लिए बनाया होगा। और बस अब तुम करो, बिग बॉस देखते हो, क्या एंटरटेनमेंट चल रहा है वहाँ? कुछ बोले तो जो चीज वहां चल रही है वही तो भगवान चला रहे। अच्छा, उन्होंने वो यहाँ पे घर में डाला हुआ है कि अब तुम खेलो। अल्टीमेटली आप एज ए एस्ट्रोलॉजर वर्क कर रहे हो, एज ए आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वर्क कर रहे हो, लेकिन फाइनल बार डोर तो उसी डायरेक्टर के हाथ में है ना। उन्होंने हमें करके भेजा कि तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है कि तुम एस्ट्रोलॉजर बनोगे। ये भी आपका पहले से डिस्टाइन था कि आप बनोगे, नहीं तो मतलब कि मेरे को तो जिस टाइम मैं एज ए एस्ट्रोलॉजी में आई हूँ तो मेरे तो बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट था ये। मुझे तो एज ए 12th जॉडिक साइन भी नहीं पता था कि सीधे ऐसे भी होते हैं। कहते अच्छा ऐसे होते हैं, तो मैं उनको ऐसे ऐसे करके लर्न किया करती थी उस टाइम पे। तो ये भी जिस टाइम अब हमने चार्ट पढ़ने शुरू किए, जब चीज़ों को समझना शुरू किया तो लगता है ये तो लिखा हुआ था कि हमें इस लाइन में आना था। जैसे सर ने बताया कि पहले इनका बैकग्राउंड एयरलाइंस का। आपको बताता हूँ, आपने शायद ना सुना होगा नादी सेंटर होते हैं, यहाँ पर अगस्त ऋषि के तामपत्र लिखे होते हैं, सबका फ्यूचर लिखा। मैं 5 बार गया, मुझे मेरे तामपत्र नहीं मिले, और किसी के मिलते नहीं ना। हाँ, मेरे भी नहीं मिले। छठी बार जब मैं गया तो उन्होंने एग्जैक्ट मेरे पेरेंट्स के नाम सही बताया, ठीक है? तो जब उन्होंने बिल्कुल सही बताया तो मैंने कहा कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है, मेरे पेरेंट्स के, मेरे भाई बहन के सबके नाम सही बताए।
तो मैंने कहा हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस दामपत्र ने आया था कि आप भौतिक जिंदगी में जीते हुए स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आओगे, बट तब मैं आ चुका था, यानी कि जो मेरी डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ था, कितने साल पहले अगस्त ऋषि ने लिखा होगा। और ये तो वो लोग बता रहे थे, तामिलियंस बता रहे थे, जिनको ना मैं जानता हूँ जो, और वो भी मुझे नहीं जानते, तब तो मैं कभी कैमरे पर आया भी नहीं था। और लैंग्वेज बैरियर भी कितना रहता है, पता है उनका आपका एक्सेंट, जब हम नॉर्थ इंडिया, वैसे कि हम यहाँ पे हरियाणा में चल रहे हैं, दिल्ली में जाए, लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है, और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में तो लैंग्वेज डिफरेंस बहुत है। तो जिस टाइम वो बोलते भी थे ना, तो साथ में उनके एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ था जो हमें बता रहा था, जनरली तो टेप में उस टाइम जहाँ टेप में रिकॉर्ड करके दे देते थे कि आप सुनते रहना बात। तो मेरा तो खैर, मैंने तो यहाँ दिल्ली में करवाया नहीं था, मैं तो चेन्नई गया हुआ था, तो वहाँ से करवाया था मैंने, तो चेन्नई से थोड़ा आगे जाकर है। तो जब मैंने ये सब सुना, सब कुछ सुना, तो मैं बड़ा एक बार हैरान हो गया कि भगवान ने पहले से रोल लिखा हुआ था कि तू स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। अच्छा, ये आपने बाद, ये जब आपने ये प्रोफेशन ये शिफ्ट हो गया उसके बाद आपने चेक किया? अच्छा, उसके क्योंकि पता है क्या, अब मैं नए नए सब्जेक्ट सीख रहा, मेरे सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो नए नए बन गए थे। तो मैंने यार इसकी ऑथेंटिसिटी भी तो देखनी होती है। अब आपने कई पास्ट लाइफ रिग्रेशन वालों के इंटरव्यूज किए होंगे, पर आज तक आप उस पर विश्वास नहीं रख पाए, आपका जवाब ऐसा है, राइट? तो ऑथेंटिसिटी तो आप भी देखना चाहते हो ना, कितना सही है कितना गलत है, एक बार मुझे तो लेके जाओ देखो तो सही। मैं तो एक बार वो आए थे कोई, वो हिप्नोटाइज करके, वो मतलब वो ऐसा था कि भाई आपके ब्रेन को इतना ट्रेन कर देते हैं वो लोग कि फिर आप जो चाहो वो आपको मिलने लगता है, मतलब ब्रेन मैनिफेस्टेशन वाले, तो वो हिप्नोटाइज भी करते थे। तो हम लोगों ने ट्राई किया था, तो हम तो नहीं हुए थे, जबकि उन्होंने हमें वीडियोस दिखाए थे कि भाई वो लोग 5-5 सेकंड में ऐसे ऐसे गिर रहे थे। अब वो मुझे थोड़ा सा फिर वो फेक लगने लगता है। ये जो 5-5 सेकंड वाली चीज़ होती है, जैसे हम फास्ट हिप्नोसिस कहते हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ज़्यादातर वो ना स्टेज शो के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें कि अगर प्रॉपर सेशन चलाना है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अपनी सिगरेट छुड़वानी है, ठीक है, या कोई बुरी आदत छुड़वानी है, या अच्छी आदत लगानी है, कईयों के अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है, स्टेज फोबिया होता है, वो नहीं बात कर सकते, तो ये अच्छी आदत लगानी है कि मैं स्टेज पे लोगों को फेस कर सकूं। तो ऐसे काम के लिए आपको कई बार सेशंस लेने पड़ते हैं, वो आपकी साइकोलॉजी में आपके सबकॉन्शियस में बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं कुछ, वो यूज़ करने होते हैं, तो उसके लिए आपको जो ट्रांस में लेके जाना होता है, दैट इज़ द एक्चुअल हिप्नोसिस। हिप्नोसिस जब बना था तो एक्चुअली उसके दो मीन्स निकाले गए थे, एक तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, दूसरा था कि आपके इलाज के लिए, इसीलिए इसको हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, पर ये जो 5-5 सेकंड में जो गिरने वाला काम है, ये बहुत शॉर्ट काम होता है और ये सिर्फ स्टेज पे अच्छा लगता है। आप क्या करोगे इसको 5 सेकंड में लटा के या गिरा के, ठीक है, आप क्या कर लोगे इससे, कुछ भी नहीं होगा। मेरा सवाल यह कि वो होता भी है या वो पहले से सेट होते हैं कि भाई होता है पर इतनी जल्दी कर सकते हैं लोग हिप्नोटाइज? देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 5 सेकंड तो नहीं, 10 सेकंड भी नहीं कहते हैं, बट वो सिर्फ एक टैगलाइन होती है, इट नीड्स एटलीस्ट 30 सेकंड्स टू 1 मिनट टाइम, ओके, ठीक है। वो करोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ऐसा एक ट्रिक होता है, ऐसा जैसे कहते हैं ना कि जादूगर जादू नहीं करता, वो ट्रिक्स करता है, वैसे हिप्नोथेरेपी में अगर आप ऐसे वाली बात करते हो तो वो भी एक ट्रिक है। उसमें क्या होता है कि आपको एक शॉक देना होता है, ठीक है। तो वो शॉक जो होता है वो एक तरफ से ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने अपने आप बाजू ऐसे की, आपको बोला यहाँ से पुश करो, आपने पुश किया, आप पुश करते जा रहे हो करते जा रहे हो, मैं एकदम से बाजू हटा देता हूँ, तो आप डिसबैलेंस हो गए, आपके लिए शॉक हो गया। और उसी टाइम में मैं आपके यहाँ पर फिंगर रख के कहता हूँ स्लीप स्लीप स्लीप, तो आप उस टाइम में थोड़े से क्योंकि शॉक में आ गए, डिसओरिएंटेड होते हो ऑलरेडी, हाँ, तो आप वो डिसबैलेंस हो गए, डिसओरिएंटेड हो गए, तो आप उस समय में 30 सेकंड या 2 मिनट के लिए उस अवस्था में आ जाओ, बट उसके बाद आपकी कॉन्शियसनेस ओवरटेक कर ले, तो वो होता है बट शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए मैंने बोला वो ज़्यादातर स्टेज शोज के लिए होता है। तो जैसे पहले हम लोग सुनते भी थे कि भाई कोई आया था वो सारे पैसे लेके चला गया और हम लोग खुद दे देते थे, पहले बहुत कहानियां आती थी पेपर में, वो देखो वो नहीं, मेरे नॉन के साथ हुआ है, वो जो होता था उसे सम्मोहन नहीं कहते। सम्मोहन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको सेशन में लेके जा रहा हूँ और मैं आपसे सेशन में जाते जाते आपको पूरी होश रहती है ट्रांस में जाते जाते, अगर मैं उस समय आपसे बोल दूँ, क्योंकि आप हो सकता है सेशन के टाइम पे आपको लेटना हो,
तो लेट इन डे में हो सकता है कि अपना मोबाइल रख दो, अपना वॉलेट रख दो, मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके डेबिट कार्ड का पिन क्या है, वो भी बता दो, आप सेशन से बाहर आ जाओगे। अच्छा नहीं बताओगे आप, इतनी होश रहेगी आपको, ये सिर्फ लोगों ने मिथ बना रखे। तो वो कैसे होता होगा सर? वशीकरण होता है, क्योंकि उस टाइम पे सीसीटीवी फुटेजेस भी आती थी कि आदमी खुद पैसे दे रहा है और दो घंटे बाद उसे याद नहीं होता था कि भाई मेरे से कब ले गए पैसे। अब देखो हम अपने पॉडकास्ट में ना एक फिल्म की थोड़ी सी मशहूरी करने वाले हैं, शैतान मूवी, तो वो था वशीकरण। उस वशीकरण के एक रूप से आप ऐसे किसी से कुछ भी ले सकते हो, उस लेवल का वशीकरण हो सकता है कि आदमी अपने आप के थप्पड़ पे थप्पड़ मारने जा रहा है। होता होता है। कैसे होता है सर? ये होता है सर, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक आ जाता है। अच्छा, और ब्लैक मैजिक कब असर करेगा आपके ऊपर? जब आपके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के अंदर आपके प्लैनेटरी सिस्टम जो है वीक होगा। जैसे हम बात करते हैं अपने हर पॉडकास्ट में भी और कई बार पहले बताया कि हमारी बॉडी का ऑरा होता है, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट वीक आ गए हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ख़राब आ गया, जैसे अभी हमने सूर्य चंद्रमा राहु की बात की, ये कॉम्बिनेशन अगर साथ में आ गया, राहु पक्का दुश्मन है सूर्य चंद्र का, सूर्य चंद्र का केतु भी, केतु भी, तूने उस टाइम में मैंने ऐसे किया था, तू मेरे को रास्ते में किसी जगह दिख जा आधा तेरी गर्दन तो पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। तो जब इस तरह के कहीं कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं और इधर से कोई आपका ऐसा राइवल आ गया, आपका ऑरा भी ब्रेक हो गया, तो आपके ऊपर ये मैजिक्स, ब्लैक जादू, ये सब इफेक्ट डालते हैं। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जैसे सूर्य और चंद्र के साथ राहु का आना, या सूर्य या चंद्र के साथ केतु का आना, सूर्य के साथ शनि का आना, चंद्र के साथ शनि का आना, राहु के साथ शनि का आना, इसे पिशाच योग कहते हैं। जब शनि और राहु एक जगह पे होते हैं, शनि की अंधेरा, राहु की अंधेरा, दोनों अगर मिल गए तो पिशाच घोर अंधेरा। हाँ, घोर अंधेरा। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको मिलाकर आप कह सकते हो इस टाइम पे आपके ऊपर अगर कोई कुछ भी करना चाहता है तो वो आप इस समय बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो, आपका ऑरा सबसे ज़्यादा वीक होगा उस टाइम। अगर एक इंसान अपनी कुंडली कभी दिखाता है ना, वो दो बार दिखाता है ज़्यादातर, एक बार तो दिखा देगा एनी कि चलो मेरी लाइफ कैसी चल रही है, या फिर दिखाता है शादी के टाइम में गुड़ मिलवा मिलान करता है, तीसरी बार वो तब जाता है जब किसी परेशानी में फंस गया होता है, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप अपनी कुंडली बनवाते हो तो आपको एक्चुअली इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी सीखो, जब आप सीखोगे ना तो आप डे वाइज समझ पाओगे कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे मैंने किसी कार्ड की पेमेंट कर रहा था, ठीक है, वो कार्ड मेरा एक बंद हो चुका था, बंद मतलब हुआ था कि उसकी लिमिट पहले कम थी, मैंने उसको बंद करवा दिया था, उसकी जगह मुझे अपग्रेड वाला कार्ड मिला था। पेमेंट करने के टाइम पर मैंने पुराने वाले कार्ड की पेमेंट कर दी, वो तो ऑलरेडी देना था, अब वहाँ पर नया वाला कार्ड दिखा रहा है ड्यू है, पुराना कार्ड दिखा रहा है कि आपका तो ओवर अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा आया हुआ, क्रेडिट आया हुआ। मैं बैंक वालों को समझा रहा हूँ, उनको समझ भी नहीं आ रही, फिर मुझे मेल करनी पड़ी। तो उस समय जब मैंने अपनी दशाएं देखी तो वो टाइम था ऐसा फंसने का कि उसके बाद फाइनेंशियल लॉस कुछ होगा। लिटरली वो दो दिन हमारे लिए बड़े सिस्टम ऐसे चल रहा था कि जो चीज कर रहे हैं ना गड़बड़, फाइनेंशियल गड़बड़। एक इंस्टेंस ये हुआ, एक जगह पर और 3.5 लाख में फंस गए और दोनों जगह बैंक एक ही बैंक के पास फंसे, ठीक है। तो ना वो ये मैंने कहा आज मैं अपना पहले चार्ट देखूँ ये क्या अटक रहा है। तो नहीं फिर वो बात है कि देखो एक एस्ट्रोलॉजर भी अपना चार्ट तब देख रही है जब प्रॉब्लम में अदरवाइज नहीं देखा, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, वो बना बना के इतनी वो हो जाता है, लेकिन आप ये है हमारा कंसेप्ट। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है वो एस्ट्रोलॉजी के लिए आए या ना, और उसके भी वो अगर अपने पास्ट लाइफ के लिए भी आया, आकाशिक के लिए आया, या किसी और सर्विस के लिए आया, मैं उसका चार्ट जो बनाता हूँ क्यों बनाता हूँ वो देखो, अब एक तरह से ये अपनी तरफ से ओवरडू करने वाली बात है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे पास आया वो परेशानी लेके आया, ठीक है, वो सिर्फ सेशन करने नहीं आया, वो आपने मूवी देखी थी मुन्ना भाई MBBS, आम आमो लेट जा तेरे तो वार्ड लग गई है, तो हम वो काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर कोई काम सेशन से हो सकता है सेशन से हो, बट एटलीस्ट अगर हम उसके हॉरोस्कोप देख के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कब तक है, ये कुछ समय के लिए या फिर ये लॉन्ग रन के लिए क्या रेमेडी की जा सकती है जिससे इसको मिनिमाइज किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, तो हम वो भी उसे बताएं। और ज़्यादातर क्या होता है पास्ट लाइफ ना अलग अलग कारणों की वजह से होता है, जैसे मैंने कहा कि पानी का डर है तो वो इवेंट बेस्ड हो सकता है, अगर आपने वो इवेंट देख लिया तो वो आपके लिए पास्ट लाइफ थेरेपी बन जाएगी। ओके,
तो आपका डर खत्म हो गया और अब आप स्विमिंग भी कर सकते हो। कहाँ पानी से डरते थे, कहाँ स्विमिंग करने लग गए, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको आपको रिपेयर करना पड़ता है। कट लगा, आपने टांके लगवाए, तो क्या टांके लगवा के उसी वक्त ठीक हो जाएगा? उसके ऊपर आपको ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी, बैंडेजेस लगानी पड़ेंगी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो बार बार जो जाना होता है उसे कहते हैं हीलिंग पार्ट। तो कई बार क्या होता है कि हमें अपने पास्ट लाइफ के बाद, जिनका भी पास्ट लाइफ करते हैं, कई बार उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आई है, ये सब कुछ हुआ है, और आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी ये बता रहा है, कुछ आपको ये रेमेडीज करनी है, साथ में आपको ये हीलिंग करानी है। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो मेरा काम भी सिर्फ बताने का है। किसी को अगर ठीक होना है तो वो करवा लेगा, नहीं ठीक होना तो मैं उसको फोर्स तो नहीं कर सकता। हम वापस से ब्लैक मैजिक पे आएंगे मैम, थोड़ा मुझे क्योंकि वशीकरण वाला टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आपने बोला कि चार्ट आपका वीक है तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, असर करेगा। और अगर मेरा चार्ट स्ट्रांग है लेकिन जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसका भी चार्ट स्ट्रांग है तो करेगा, तो कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर? कितना पावरफुल आपके पास ग्लास है, कांच का ग्लास, हम दोनों ऐसे ऐसे कैच कर रहे हैं। वैसे बॉल से कैचिंग मैच खिलाया जाता है, पर हम ग्लास को कैच कर रहे हैं। मान लो थोड़ा सा कहीं मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, तो क्या होगा ग्लास के साथ? या तो टूट जाएगा, या अगर ग्लास क्रैक तो हो गई, थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई कोना टूट जाए। तो ऐसा ऑरा तब होता है कांच के ग्लास जैसा जब उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर वो वाले दोष आ जाते हैं, या फिर जो हार्ड प्लैनेट्स थे वो उस समय उसको परेशान कर रहे हैं, उसके ऑरा को वीक कर रहे हैं। पर अगर वही कैच एंड कैच हम खेल रहे हैं स्टील के ग्लास के साथ, कैच छूट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बस उसका ऑरा भी स्ट्रांग है और आपका ऑरा भी स्ट्रांग, तो वो करता रहे, अपना पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा कि कुछ तो हो रहा है, पर आपको कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रांग हो गए, आप बोलोगे यार फिट एंड फाइन हूँ, कुछ नहीं होगा। अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप ना रेगुलर अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखो। करने के लिए पिछले दिन हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में, जितने चार्ट आ रहे थे ना, ऑलमोस्ट शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन था ऑलमोस्ट, कि किसी को मैरिज की, क्योंकि उस टाइम पर उनका, अभी हमारे शनि वक्रीय हुए हैं, जून में ही हुए हैं और अभी नवंबर तक रहेंगे, तो जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम्स में थम जाएंगे, नहीं तो जितना ऐसा लगता था कि हम तो बिल्कुल ही गड्ढे के अंदर गिर चुके हैं, अब तो हम वो हो रहे हैं। तो रेमेडीज करवाने का मकसद क्या होता है कि आप उस लेवल तक मत जाओ, आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग हो जाए, जो प्रॉब्लम्स आप आई हैं आप उसको फेस कर पाओ, फेस करोगे तभी तो सॉल्यूशंस निकलेंगे ना। अगर एक आपने बात सुना, आपके सामने एक दूध का पतीला पड़ा हुआ है और बिल्ली आ गई, आप डर रहे हो, बिल्ली से अगर आप डरते हो, आप आंखें बंद करके बैठ गए हो, बिल्ली दूध पी के चली गई ना, अब आपको क्या है? अगर बिल्ली आई है तो आपको बिल्ली को भगाना है, तो उसके लिए आप पत्थर लोगे या किसी तरीके से उसको भगाओगे। तो रेमेडीज यहाँ पे वो काम करती हैं, आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेंगी, कि आप उस सिचुएशंस को स्ट्रांग करेंगी कि आप उस माहौल से बाहर आ पाओ। और क्योंकि देखो जैसे ये सर्कल ही है, दिन है तो रात, अगर आज ये बुरा टाइम आप देख रहे हो तो कल को भी पॉजिटिव भी आएगा। शनि चंद्रमा आपको इस लेवल तक ले जाते हैं सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं लोग, ओके, और नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी, मतलब इतनी स्टेट आपकी मेंटल स्टेट खराब कर देते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं श्रिंक कर देता हूँ, दो तीन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये चीज़ खराब हो जाती है। रेमेडीज जब बताई जाती हैं तो प्रॉपर तरीके से बताई जाती हैं, बट लोग फॉलो नहीं कर पाते उसको, वर्ड बाई वर्ड उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं करते। कहा जाता है कि ये चीज़ आपकी ख़राब है तो इसका मंत्र जाप करो, उसकी मालाएँ कर लेंगे 11-11, संकल्प तो कर लो, संकल्प तो किया ही नहीं, जो संकल्प नहीं किया तो वो मंत्र कहाँ जा रहा है, किस काम में आ रहा है? भगवान, ठीक है भगवान ने सारी सृष्टि बनाई, उनको तो पता है, पासवर्ड तो डाला नहीं, पासवर्ड डाला नहीं, ठीक है, तो कुछ काम नहीं करेगा ना। आप मंत्र जाप करते रहे 43 दिन के बाद बोल रहे हो कुछ हुआ ही नहीं, तो आपने सही तरीके से उस रेमेडी को नहीं किया। केतु की जब दशा आती है तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप कुत्ते की सेवा करो, कुत्ते को दूध पिलाओ। लोग क्या करते हैं उस समय में, कुत्ता पाल लेते हैं, पर वो कुत्ते की सेवा करनी है, कुत्ते के गले में पट्टा भी डाल देते हैं, केतु नाराज, केतु नाराज हो गया, उल्टा काम कर दिया आपने, तो तुमने बांध दिया भैया मुझे, किसको पसंद है बंधन, बिल्कुल।
नहीं, पर अगर जैसे वो घर में खुला उल्ला घूम रहा है फिर ठीक होता है, फिर ठीक है, फिर तो आप उसकी सेवा कर रहे हो ना, फिर तो आप सेवा कर रहे हो। पर लोग गलतियां ऐसी करते हैं, मुझे मुझे लगता है ऐसे जो ये जो उपाय वाले चीजें होती है ना, ये उन लोगों के ऊपर करने से ज्यादा बेनिफिट होता है जो आपको, जैसे घर का कुत्ता है उसको तो सब कुछ मिला हुआ है, जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको सब कुछ मिला हुआ, वो बिगड़े हुए हैं, मतलब मेरे घर में भी जानवर है वो एक नंबर के बिगड़े हुए होते हैं। पर लेकिन आप किसी गरीब जो बेचारा जिसको दो दिन से खाना नहीं मिला है, कोई ऐसा कुत्ता जिसको एक हफ्ते से खाना नहीं मिला, आप उसको जो खिलाओगे उसका जो पुण्य मिलेगा, और जो अपने घर में कुत्ते को पाल के आप कर रहे हो उसमें आई थिंक फर्क होता है, मुझे लगता है उनका ज्यादा मिलता है। ज्यादा जिन लोगों को पितृदोष होता है उनको कहते हैं अमावस के टाइम पे ना आप खाना खिलाओ, जैसे कौवे का खाना अलग निकालना है, गाय का अलग निकालना है, ठीक है, तो ऐसे करते करते पंडित जी का भी निकालते हैं। पर अगर आप पंडित जी को नहीं खिलाते तो आप किसी गरीब को खिलाओ, ठीक है। अब कोशिश ये होनी चाहिए, देखो पंडित जी का तो पेट भरा होता है, पंडित ज्यादातर मंदिरों में होते हैं उनका पेट भरा होता है, तो पकड़ लो ना किसी रिक्शे वाले को, ठीक है, किसी को खिला दो खाना, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, और आपको पंडित जी से कम नखरे करके दिखाएंगे वो। पंडित जी नखरे बहुत खुशी से खाएंगे, पंडित जी तो आते हैं घर पे हमारे जब श्राद्ध होता है, हाँ, तो कहते नहीं नहीं बस एक पूरी दे दो, बस मुझे और भी घर जाना है, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास भी वो स्ट्रीमलाइन चल रही है। हम रेमेडी कैसे कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, सही तरीका फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इस पर डिपेंड करता है। अब लोग कहते हैं मेरे घर में तो पैसा नहीं टिकता, लक्ष्मी नहीं टिकती। अब लक्ष्मी जी, आप नोटिस करो दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की मूर्ति मिलती है, पर लक्ष्मी जी के जो हस्बैंड है वो तो विष्णु भगवान है, नारायण। तो आपने पहली बात तो पति के साथ में नहीं स्थापित किया, अब ये बताओ कि गणेश जी साथ में क्यों होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। मैं कई बार ये सवाल अपने दिमाग में सोचा तो है कि ये वाइफ तो उनकी है, कई लोगों को ये बात भी क्लियर नहीं है। हाँ, लोग बच्चे में तो यही सोचते थे कि यही दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कि गणेश जी लक्ष्मी जी साथ में बैठे हुए तो यही हस्बैंड वाइफ है। पर ये बात भी समझो कि गणेश जी एक्चुअली यहाँ पर पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं, पर वो वहां पर साथ में क्यों बैठे, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल है। अब उनको जैसे कहते हैं ना पेपर आप टेबल पर रख दो तो उड़ जाएगा, तो उसमें पेपर वेट चाहिए, तो गणेश जी वो भारी बैठ जाते हैं, माँ कहाँ जा रही, कहाँ जा रही हो, बैठो यहाँ पर तुम्हारी पूजा हो रही है, तो वो हिलने नहीं देते, वो पेपर वेट का काम करते हैं। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को इसलिए बिठाया जाता है, लेकिन दिवाली पूजन में विष्णु जी को भी बिठाना चाहिए, अनिवार्य है। और दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी गलती होती है यहाँ पर, दिवाली पूजन के टाइम पर जो आरती की जाती है वो माँ लक्ष्मी की भी की जाती है। आरती कब करते हैं, जब विदाई करते हैं, इधर स्थापित कर रहे हो उधर विदाई कर रहे हो, फिर लक्ष्मी आ जाएगी। हम सब करते हैं, पूरे हिंदू धर्म करते हैं, सबसे पहले ओम जय लक्ष्मी माता, ये हम सब करते हैं, लेकिन ये मलनी जी माँ लक्ष्मी की आरती नहीं। आपको आज आपने स्थापित किया धनतेरस कर रहे हैं, तो अगले धनतेरस पे करते हैं ताकि नई नई दोबारा से स्थापित किया जा सके। अच्छा, तो ये गलतियां होती हैं, ये तो सोचते ही नहीं हम लोग। तो आरती का कंसेप्ट तो यही है ना, पहले जैसे हम संकल्प लेके किसी भगवान जी को बिठाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको बिठा रहे हैं, और लक्ष्मी जी को कौन चाहता है कि हमारे पास से चली जाए, बिल्कुल, तो उनकी तो आरती करनी नहीं चाहिए, तो उस समय नहीं करते, उस समय नहीं करते, करनी तो चाहिए, लेकिन फिर उनको आज आपने उनको स्थापित किया तो एक साल बाद तुमको भेजोगे, तो उस समय के जो आपने उनसे मांग की थी, डिमांड की थी, तीन दिन की ना बहुत रिग्रेस होती है, लोग पूजा करते हैं, ठीक है, धनतेरस से लेकर दिवाली तक, तो उसके बाद भी जो आपने एक विश रखी होती है तो अगले साल धनतेरस तक आपकी विश पूरी हो जाती है। मम्मी को बताऊंगा, तो सब भगवानों की आरती करवा देती है हमसे, शिव जी की भी करो, राम जी की भी करो, गणेश जी की आरती, गणेश जी की तो क्योंकि हम पूजा की शुरुआत ही हमारी वहां से होती है, गणेश जी की होनी है जरूरी है, और लास्ट में आप ओम जय जगदीश जी करो, लेकिन दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता की आरती ना करें, क्योंकि वो विराजित की हैं, दिवाली के दिन तो वो आती हैं, आपने पहले ही विदाई के लिए तैयार कर दिया, आपने पहले उस टाइम पे पूजन के टाइम उनकी आरती कर दी। बचपन से मैंने आपको बताया कि हमने चाइल्डहुड से हमने भी यही सीखा, तो ये हमारे तो पूर्वजों को तो पता होना चाहिए, ये तो ये हम कहाँ गलत हो गए, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, आरती कर रहे हैं, सबकी आरती कर दी, हम समझते हैं हम ना आरती की एक्चुअली इम्पोर्टेंस नहीं जानते, तो कौन सा काम किस वजह से किया जाता है, कौन सी पूजा के समय पे कौन सा आसन होना चाहिए, किस कलर का आसन होना चाहिए, कौन सी माला होनी चाहिए, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। तुम्हारे घर पे भी होती है दिवाली के टाइम लक्ष्मी आरती?
होती है 99% लोगों की होती है, ये हम भी करते थे जब 99% लोग अगर मैं आए जब तक हम इस लाइन में नहीं आए थे और क्योंकि मैंने बताया कि हम चाय आपके पॉडकास्ट में बड़ा हॉट टॉपिक हो सकता है वाला, हाँ तो हम अपने चाय लोगों को करते थे स्पेशली कहा था खड़े हो जाओ क्योंकि हम मेरे तो सिबलिंग में सिस्टर ही हैं तो हम लोगों ने खड़े करना और हम लोग कर रहे हो जय लक्ष्मी माता। तो ये बहुत टाइम के बाद हमें क्लियर हुआ जब हमने पढ़ाई की पढ़ा तो पता है कि उस दिन लक्ष्मी माता की आरती नहीं करते। वैसे वापस ब्लैक मैजिक पे आते हैं सर कि कुछ आपके आप लोगों के पास तो केसेस आते होंगे ब्लैक मैजिक के। अभी रिसेंटली केस आया था, मैं आइडेंटिटी और जगह नहीं बताऊंगा उसमें हुआ यह था कि 14 साल के बच्चे की डेथ हुई थी। अच्छा। और उसे कैंसर निकला था। पहले कैंसर जब इलाज हुआ पहले तो 3-4 महीने वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, ठीक है, तो वो किसी और देश में रहते थे, फिर वो थे तो इंडियन, इधर आए इंडिया में आके डिटेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब पता चला तो उसका ट्रीटमेंट हुआ और बच्चे ने बहुत वेट लूज़ किया था, कीमोथेरेपी वगैरह काफ़ी थेरेपीज होती हैं, तो तब क्या होता था कहते थे कि उसके पेल्विस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर कैंसर हुआ था, तो वहाँ पर 3-3 इंजेक्शन जो लगा करते थे तो वो एक टाइम पे आके एक इंजेक्शन से भी उसका हो जाता था और उसके बाद जब डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल ठीक है उसके बाद बच्चे ने वेट गेन भी किया, ठीक है, तो जब वेट गेन हो रहा है इसका मतलब बिल्कुल रिकवरी हो रही है। पर उन्हें बचपन से ये मालूम था कि पूरे फैमिली में ऐसे उसके जो फादर हैं वो 3 भाई हैं सिस्टर्स भी हैं तो किसी का भी बच्चा नहीं टिकता था, या तो बच्चा होता नहीं था बेटा और अगर हो गया तो टिका नहीं या फिर वो घर में इस लायक नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को संभाल सके, कुछ भी ऐसी चीज़ें थी। तो जब इनका बेटा हुआ तो कुछ उनके बड़े जो थे भाई बहन थे उन्होंने बोला आ गया वारिस, अब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, उसी वक्त से नज़र लगानी शुरू कर दी। तो करते 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 क्या हुआ कि एक माता जी वो बहुत फॉलो करते थे, बहुत मानते थे, वो बहुत पाठ पूजा करती थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा इसके ऊपर तो मारण हुआ हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, उन्होंने उसके लिए बहुत पूजा की, पर जो जो प्रॉब्लम्स उस बच्चे के साथ होती थी वही सेम प्रॉब्लम्स वो माता जी के साथ होती थी। अच्छा। अगर वो बच्चा भागने से थक जाता था तो वो चलने से थक जाती थी, उसे बैठने लायक हो गई थी, जब भी वो उसके लिए करती थी पूजा तो उनके साथ ही प्रॉब्लम होता है, उसकी वो अपने ऊपर ले रही थी, तो वो ले नहीं रही थी, वो उनके ऊपर चढ़ रही थी। अच्छा। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि 7-8 साल की एज तक तो ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद टाइम आया कि हाँ अब बिल्कुल ठीक चल रहा, फिर उसके बाद फिर टाइम आया कि मारण अभी भी है। तो जब माता जी ने बोला कि पहला जो इलाज हो गया तब भी था, तब भी हो गया इलाज, दूसरी बार उसको जब डिटेक्ट हुआ तब भी वो ऐसे ही हुआ कि उसको उसी एरिया में दोबारा कैंसर निकला, तो जब उसको दोबारा से डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद माता जी ने बताया कि बेटा इस बार जो मारण हुआ ना ये 6 महीने के लिए बहुत खराब है। 3rd महीने में ही उस बच्चे ने रात को 3-3:30 के आसपास, शायद 2:30 से 3 के बीच में, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उसका बोलना था कि मेरे पास कोई आया और मुझे लेकर जाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके साथ वो जो ब्लैक मैजिक था उसकी वजह से ऐसे लगा उसको जैसे कि हेलुसिनेशन हो रहे हैं उसको, हेलुसिनेशन नहीं हो रही जैसे कि उसके प्राण निकलने को थे। और ये रिसेंट का केस है, ये रिसेंट का केस है, मैं बताता हूँ जनवरी पर, मैं आप अभी उसको उसकी वीडियो दिखा सकता हूँ उस बच्चे की तड़प लेने की जो उन्होंने लास्ट ली उस टाइम की। तो उसको सच में उसको जब वो केस मेरे पास आया था तो पहली बार वो वीडियो देख के मैं रो पड़ा था कि भाई 14 साल का बच्चा, इतनी लोगों के अंदर ईर्ष्या और जेलसी है। तो वो जब उसके साथ वो उस रात को एक्चुअली उसको जो कहते हैं ना कि यमदूत लेने आए थे, बट कोई माता पिता जो उनके पेरेंट्स थे उनके इतने पाठ पूजा इतनी थी या फिर वो माता जी की पाठ पूजा थी कि वो उस दिन तो बच गए, पर उस दिन के बाद वो सिर्फ नीचे ही नीचे जाता रहा हेल्थ वाइज। मई में उसका बर्थ था, बर्थडे 14 साल का वो मई में हुआ, इसी मई में, मान लेते हैं टेंटेटिव डेट देता हूँ मैं आपको, 13 तारीख, और 16 उसकी डेथ हुई है, और 19 तारीख को वो 6 महीने कंप्लीट हो रहे थे। ये मैंने डेट्स चेंज कर दी, ठीक है, मैं एग्जैक्ट डेट्स जानता हूँ, पर 19 तारीख को यानी 3 दिन बाद वो 6 महीने कंप्लीट हो जाते
और उन 6 महीनों के अंदर अंदर वो बच्चा चला गया। अगर आपको उस बच्चे की फोटो दिखाए ना जिस टाइम वो उन्होंने भेजी 14 ईयर्स का बच्चा, मतलब देख के ना मैं खुद इतनी इमोशनल, लगी यार कितना मुश्किल है। और लोगों के अंदर वो जेलसी की, क्योंकि प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी, दावेदार वो खड़ा हो जाएगा तो उसको ही खत्म करो। ये इंटेंशनली ब्लैक मैजिक लेके जाएंगे उस प्रॉपर्टी को, मतलब यही यही बात तो समझ में नहीं आती भाई। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ उनके भी तो कुछ बच्चे नहीं है, किसी को तो दोगे बाद में, किसी को तो दोगे मरना ही है। आज आज क्यों ऐसा सोच रहे हो? तो यही बात समझ में नहीं आती। अब उनकी बेटी है, वो बड़ी है उससे। अभी तक सबसे ज्यादा लाइमलाइट में कौन था? वो बच्चा और उसकी मदर, क्योंकि वो उनको आउटसाइडर माना जाता है। तो शुरू से उन दोनों के ऊपर किया जाता था, पर मारन इसके ऊपर किया गया था। अब जब उनको ऑरा देखा हमने, और सबसे बड़ी बात हमारे पास जब वो केस आया तो हमने सिर्फ डिटेल मांगी थी, अभी फ़ोन पे बात होनी थी, पर हमें ये पता था बच्चे की डेथ हो चुकी है। वो कुंडली जब देखी तो उस बच्चे की तो आयु लंबी थी, लेकिन उसमें ब्लैक मैजिक दिख गया था होते हुए, कि ऐसे वाले चार्ट में दिख रहा था कि ये टाइम पीरियड लूज था। देखो मैंने अभी हमने बताया कि शुरुआत में क्यों आते हैं लोग, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म में लोग क्यों आते हैं, जब इंसान ना बड़ा टूट जाता है, परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर वो इधर जाते हैं कि शायद हम यहाँ जाएं तो हमें कोई रास्ता मिल जाए, राइट? 99% आपको लोग यही मिलेंगे जो परेशान होंगे ना, वही एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में या कहीं और जा रहे होंगे। तो जो वो चार्ट आया ना, तो उसके प्लैनेटरी सिस्टम थोड़ा अपॉइंटमेंट था, हिला हुआ था। तो कैलकुलेशंस की तो हमें लगा कि बात ही नहीं, एज तो दिख रही है कि एज तो होनी चाहिए, एज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इसके ऊपर जो है ना होने के चांसेस हैं, कोई साइकिक अटैक आ सकता है। ये एक जनरल, क्योंकि हम जब वापस क्लाइंट की डिटेल्स आती है तो हम पहले डिटेल्स मंगवाने के बाद, क्योंकि हम भी पूरा एनालाइज करने के बाद उसके बातचीत होमवर्क करने के बाद अपना होमवर्क करने के बाद जरूरी ना अपना होमवर्क करके भी आप किसी, हाँ तो हम पहले डिटेल्स लेके अपना होमवर्क, तो वहाँ पर हमने सारा एनालाइज किया कि उम्र तो लंबी दिख रही है, लेकिन इसको ना इस वक्त मेजरली कुछ अचानक से इसके ऊपर कोई साइकिक अटैक लग रहा है कि हो सकता है। ये तो पूरी डिटेल जिस टाइम क्लाइंट से बात हुई तब उन्होंने बताई कि हाँ ऐसा अटैक है, ऐसा मेरे बच्चे के साथ हुआ, ये चीज़ें हुई हमारे साथ में। जो जो मैंने उनसे पूछा कि क्या बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था, क्या बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था जैसे वेट लूज हुआ हो, कहते हाँ इलाज चल रहा था उसका, वेट लूज हुआ, उसके बाल झड़ रहे हो, हाँ ऐसा हो रहा था। एक टाइम पर ये भी हुआ है कि उसने अपना माथा दे के मारा सिर वो दीवार में, इतना ज़्यादा था उसके साथ, वो कह रहा मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसने अपना ही माथा उठा के मारा अपने दीवार पे। तो ये ब्लैक मैजिक ये एक आपके साथ इंटेंशनली किया ऐसे, और ये करते भी सारे अपने रिश्तेदार ही हैं ब्लैक मैजिक ज़्यादातर। देखो ब्लैक मैजिक के लिए क्या चाहिए होता है, यहाँ तो आपका पसीना चाहिए होता है, ठीक है, तो आपके ही धुले हुए जो कपड़े नहीं है या जो गंदे कपड़े हैं धुलने से पहले, तो उन्हीं का एक्सेस हो सकता है, ठीक है, या फिर उनके पास ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि आपको आपके घर आए आपको कुछ खिलाया या आपको बुलाया आप गए उनके घर आपको कुछ ऐसी चीज खिला दी। बड़ा डर ही है यार, या आपकी डिटेल्स उनके पास पूरी है, या आपकी डिटेल्स उनके पास पूरी, तो बाल वाल भी आपके कोई ना कोई जैसे कहते हैं डीएनए चाहिए, डीएनए चाहिए, 5 सेंसेस में से कहीं से भी कुछ भी आया हो, नाक का बाल भी होता है, ठीक है, ये आईब्रोज का भी होता है, कान के भी होते हैं, दाढ़ी का होता है, उससे निकाल लेते हैं लोग ना वो कंघी से, हाँ तो बड़ा कुछ निकल आता है, कुछ नहीं। तो ऐसी उनके पास ही एक्सेस होता है, और फिर उन लोगों को तो आता नहीं, हो जाते हैं तांत्रिकों के पास, और तांत्रिक तो आजकल इतने भरे पड़े हैं, क्योंकि असम में एक पूरा पूरा गाँव है म्यांग करके, ठीक है, तो वो पूरा तांत्रिकों का तो है। अब जब वहाँ पर तांत्रिकों के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतना वो फेमस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जाकर स्प्रेड है ना, कहीं ना कहीं सेटल है, तो जब किसी को पता चलता है अच्छा ये कराना है इसके पास चला जा, ये बढ़िया करता है, वो तो कर देगा, पर ऐसे तांत्रिकों के साथ होता क्या एंड में, उनके उनके जब डेथ होती है तो उनकी बॉडी से जैसे कीड़े से निकलते ना वैसी चीज़ें होती हैं, पर वो तो ये सोचते हैं जब होगी तो होगी, अभी तो आज तो पैसे मिल रहे हैं, आज तो हमारा काम चल रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि अनइंटेंशनली आप गए हो, आपको पता ही नहीं है, आप रेगुलर एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे स्प्रिट्स होती हैं, वहाँ पे उनका उनके घर है ना, जैसे बन गया, जैसे जहाँ पे जो जगह जैसे आजकल हम कहते हैं पैरानॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं,
कोई पेड़ में है, जैसे कहीं कोई जगह पे है, तो लोग स्पेशली कहते हैं इन जगहों पे नहीं जाना। लेकिन अब जिनको नहीं पता वो मैं देखती हूँ रोड साइड पे जहाँ पे सन्नाटा होता है, लोग अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टीज चल रही हैं, सब कुछ चल रही है, पता नहीं है। अब क्या हुआ जिस टाइम उनको भी सब कुछ राक्षस कारण ये मदिरा सब चाहिए उनको। अब जो उससे अट्रैक्ट हो जाती है, बॉडी है नहीं पास में, अगर उसका उस टाइम प्लेनेटरी सिस्टम वीक है और कमजोर है तो भाई वो जा रहा है मेरे को भी। अब उसकी बॉडी के अंदर और हॉरोस्कोप से भी पता चलता है वीक है, पर कई बार एक्सीडेंटली भी वीक हो जाता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आप अपनी अलमारी की सफाई कर रहे हैं, कुछ चुभ गया, ठीक है, तो कट लग गया बॉडी में। कट लगने का मतलब है कि आपका और ब्रेक हुआ उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम आपको उसको रिपेयर करना चाहिए। आइडियली बैंडेड लगाते हैं तो हम उससे खून का फ्लो तो रोक लेते हैं, बट कोशिश करो उस समय कि एक छोटा सा पाबीज बन जाता है जो हर कोई अपने घर में बना सकता है। नींबू को बीच में से काटा, जो जूसी पार्ट होता है उसमें तीन लौंग तीन काली मिर्च डालते हैं, फंसाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सेंधा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी हींग डालते हैं, और जो बैक पोर्शन होता है ना जो यलोइश होता है उसके ऊपर रौली से राम लिख देते हैं, उसको आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखो और उनके सामने प्रार्थना करो कि आप ही हो जो हर चीज़ से बचा सकते हो, हर विपदा से बचा सकते हो, तो आज आपको मुझे बचाना है। कोशिश करो उसको लाल कपड़े में बांध के शाम को 6 बजे के बाद अपने साथ बांध लो, जैसे ताबीज़ बांधते हैं। ताबीज़ की तरह नहीं बांध सकते तो पॉकेट में रख लो, पर उसको रख लो 24 घंटे के लिए रख लो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अगर कोई कट वट लगा होता है तो वो रिपेयर हो जाता है, अंदर की स्किन आ जाती है 24 घंटे में। अगर ज़्यादा गहरा बन गया है तो जब तक वो रिपेयर नहीं हो रहा, कम से कम अंदर की स्किन नहीं आ रही, तब तक आप ऐसे हर रोज़ करो, 2-3 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे। पर अगर आप वो करते हो तो एक तरह से आप वो प्रोटेक्शन में, हाँ, क्योंकि नींबू के दो एक्टिविटीज़ हैं, एक तो हमने वो कर दिया भगवान हनुमान जी वाला, दूसरी चीज़ ये है कि माना जाता है कि नींबू का ऑरा ह्यूमन ऑरा से 4 गुना बड़ा और 4 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। नींबू का, नींबू का आप नींबू मिर्ची ला के आते हैं, पहले घरों के आगे लगाते थे, तो इसीलिए तो होता था। अच्छा, तो उसमें भी छेद कर किया करते थे, उसमें तो वो मिर्ची भी लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आए ना, इसलिए होता था, नजर की नजर ना लगे, नजर ना लगे, टोक लगती है लोगों को, बिल्कुल लगती है। कईयों का चंद्र वीक होता है, उसको अगर कोई इंसान बोल दे ना आज तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, फोटो दिखा सकता हूँ, देखना चाहोगे आप? दिखा दो अगर मैं तो देख। हाँ, ये एक मेरी सिस्टर है बॉम्बे में, उसने मुझे अपना एक केस सुनाया था, उसके किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ हुआ था, तो वो लोग कहीं पुणे वुने घूमने गए थे। ये भी पुणे का केस है भाई, पुणे के रास्ते में बहुत होता है सर ये। अभी ये जो हुआ था ना, ये पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का चक्कर होगा ना, पॉपुलेशन कम होगी या क्योंकि अभी जहाँ पे ये फोटो देखो, ये बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी है, यूएस गई थी इंजीनियरिंग करने के लिए और वहां पर से ऐसा अटैक आया। ये इसके पांव देखे नहीं कैसे मुड़ गए इसके, ये स्पिरिट वाला। तो वो पुणे से वापस आ रहे थे तो उनका एक फ्रेंड रात जैसे गाड़ी में चलते चलते यूरिन आ गया, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, उनका एक फ्रेंड जाके एक जगह पे अपना यूरिन पास करके आया, किसी पेड़ के पास कर दिया, पता नहीं किस कहाँ पे भी, जहाँ पे भी किया उसने। वो लोग अपने घर आ गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए और वो लड़का 3-4 दिन के लिए गायब। 3-4 दिन बाद वो लड़के का उनको फ़ोन आया कि यार जब से मैं वापस आया हूँ ना, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उसने टोपी पहनी हुई है, उसका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, एकदम काला अंधेरा है फेस में, ये मेरे सामने बैठा हुआ है और बस मुझे देख रहा है और कुछ कर नहीं रहा और किसी और को दिखाई भी नहीं दे रहा। ये मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब उसने ये सुनाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो पर्सनल उसके साथ हुआ था ऐसा उसने, तो जब आपके इतनी पास में होता है ना तो आपको बिलीव होने लगता है कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं। नहीं, ऐसा हुआ है कई बार, हमारे सेशन के दौरान भी हुआ है। अच्छा, सेशन के दौरान भी हुआ है। अगर आप हमारे ऑफिस में आके देखो तो काफ़ी बड़ा रूम है जिसमें हम पीजा करते हैं। एक बार सरदार जी आए थे, ये खैर मैं किसी और पॉडकास्ट में पहले बता चुका हूँ, बट मैं आपको ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं तो मैं इसका पहले बता रहा हूँ।
उनका क्या था कि बचपन से जब भी रात के टाइम सोते समय उनको वॉशरूम जाना होता था, उठ नहीं पाते थे बचपन से, क्योंकि छाती में ऐसा भार पड़ता था कि वो दबी जाते थे। तो उनके साथ ये हमेशा चलता रहा, तो वो रात को वहीं निकल जाता था पलंग में। वो ऐसा दबाव पड़ता था कि माँ भी नहीं बोल पाते थे, जैसे साथ में माँ सो रही है तो वो बोल भी नहीं पाते थे, ऐसा छाती में दबाव पड़ा, गला दब रहा है, तो वो नहीं कर पाते थे। तो जब बड़े हुए तो फिर कईयों ने बोला भाई चलो किसी को दिखाओ, झाड़ा झूड़ा करवाया, किसी ने बोला वो रहते थे पंजाब में, तो वो किसी ने बोला दिल्ली में आए हो, तो कहीं आए होंगे दिल्ली किसी काम की वजह से, तो उनको यहाँ पर झाड़ा करने के लिए बोला, किसी नीम का पेड़ है कहीं कौन सी जगह, कश्मीरी गेट में, वहाँ किसी मौलवी के पास गए, तो उसने एक ताबीज़ बांध दिया कि ताबीज़ बांध के रखो। वो तकरीबन 7-8 साल तक वो ताबीज़ रहा उनके पास, पर उनका खेतों का काम था तो कहीं गिर गिरा गया। तो जब तक तो वो ताबीज़ रहा तब तक तो वो भार नहीं पड़ता था, रात को जा सकते थे, पर तब भी उनको ये महसूस होता था कुछ है मेरे साथ। अब उसके बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो गया, अब दोबारा वो ताबीज़ लेने के लिए आए, पता चला कि मौलवी जी गायब हो गए, मतलब उनकी डेथ हो गई, या उनके हो सकता है जगह उन्होंने चेंज कर ली, वट एवर। तो ऐसा कर कर आके जी अब बुजुर्ग हो गए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, पर वो प्रोसेस चलता जा रहा है। अच्छा, फिर किसी ने बोला कि ये कहीं तुम्हारी साइकोलॉजी में तो नहीं है, कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात तो नहीं बैठी, कोई बैठा हुआ होता है कई बार। तो वो कहीं किसी माध्यम से हमारे पास पहुंचे, तो मैंने कहा कि साइकोलॉजी में अगर बैठा था वो 7-8 साल के लिए कहाँ चला गया था, वो ठीक हो गया। तो फिर इन्होंने बताया कि मैं तो दिल्ली वहाँ पर भी गया हूँ, कश्मीरी गेट भी गया हूँ, मेरे को मौलवी मिले नहीं। तो कर कर आके जी हमने सोचा चलो ठीक है एक सेशन करके देखते हैं। जब सेशन किया तो सरदार जी की आवाज़ से मुँह से एक लेडी की उनकी आवाज़ निकल रही है, एक लेडी की आवाज़, एक लेडी की आवाज़। अच्छा, लेडी की जो आवाज़ निकल रही है कभी उनके मुँह से आती है, कभी एक साइड से आती है जहाँ कैमरा था हमारे कमरे का। अच्छा, ये आपने रिकॉर्ड किया हुआ है सेशन? सर वो सेशन रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है, हमारा कैमरा पता नहीं वो कैसे था, लाइटें सारी जले हैं बुझे, सोफे की गद्दियां होती हैं वो ऐसे गिर जाएं फिर उठ जाएं। ये आपकी आंखों के आगे हुआ है? आंखों के सामने हुआ है। और मजे की बात यह है कि मैं खुद सोच रहा हूँ मैं कहाँ फंस गया यार, ये तो तुम्हारे बिल्कुल नहीं। वो बड़ा क्योंकि ऐसे बिल्कुल ये एक्टिविटी पहली बार हुई थी ऐसे, तो फिर पता ये लगा कि जो पुराना जन्म था उसमें वो उसकी मदर थी। तो वही अब आज भी गांव में छतों में सोया जाता है, ठीक है। तो वो पुराने टाइम में जब बेटा था वो का, तो छोटी उम्र में ही वॉशरूम जाना था, वॉशरूम नहीं होते थे तो खेतों में जाया जाते थे, और खेतों में कहीं गया था उसको सांप ने काट लिया था, और उसी की वजह से गम में उसकी माँ भी चली गई थी, पर माँ ने जन्म नहीं लिया अगला, वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि एक तो उसका ये था कि मेरे एक एक बेटा था वो चला गया, अब मेरी गति नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे लास्ट राइड्स करने वाला तो चला गया। वो इच्छा तो अब वो इच्छा उससे पूरी हुई, पर वो रात को इसलिए रोकती थी कि तेरे को दोबारा, वो एज ए प्रोटेक्शन उनके साथ थी, उनको हार्म नहीं करती थी, उनको लगता कि रात को ये उठ के जाएगा तो इसको हार्म होगा, तो उसको रात को उठने नहीं देते थे। तो ऐसी एक स्टोरी निकली थी, मतलब सोचो कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, और हमारे लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ना, हमारे लिए तो ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल ब्लैक मैजिक नहीं था वो, नहीं वैसे अगर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, हां हां वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। पर जब उधर बात हुई कि हाँ जी अब कैसे आपको तृप्ति कैसे मिलेगी, आप अपनी यात्रा पे आगे बढ़ो, तो अब मेरे लास्ट राइड्स इसको करने पड़ेंगे, तब तो मैं इसलिए नहीं जा पाई कि मेरे लास्ट राइड्स ये कर नहीं पाया। तो वो सरदार जी ने पंडित जी को पकड़ा, फिर उनसे पूरे राइड्स करवाए उनके, और सबसे बड़ी बात उन्होंने पहले एक बात बोली कि चल जे तू मेरी माँ से है तो कोई गाड़ी, मतलब पंजाबी में बोले कि अगर तू मेरी माँ थी तो कोई बात नहीं, अब तो मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है अब तो ऐसी एम्बैरेसमेंट से छोड़ दो मेरे को, तो ऐसी उन्होंने बात बोली थी। तो मतलब वो जो टाइम पीरियड था वो ऐसा था उस सेशन के दौरान कि मैं सोच रहा था मैं भी इस कमरे से बाहर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, इतना डर तो लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कर रहे हो और एकदम से ये चीज आ गई, पैरानॉर्मल चीज आ गई, तो वो बड़ा हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग कोई तांत्रिक तो हो नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम में उनसे ही पूछा ना कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने ही बताया। तो हमारे पास जब भी ऐसे कोई ब्लैक मैजिक का होता है तो ब्लैक मैजिक के लिए हम हीलिंग तो करते हैं, ठीक है। अब हीलिंग कर रहे हैं तो आपसे खैर में एक बात भी हुई थी कि कई बार उसका इफेक्ट आप पे आ जाता है, ठीक है।
अपना कई बार लोग सोचते हैं, ये जवाब भी देते हैं कई बार, कहते हैं कि अगर नहीं कर सकते तो फिर क्यों करते हो, करने की जरूरत क्या है। अब इसको ना एक छोटी सी पुरानी स्टोरी से जोड़ देते हैं। रामायण के बारे में आपने सुना होगा, देखी हुई है, ठीक है, टीवी पे आती थी। उसमें मायावी थे रावण, और जब रावण को पता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, या बहुत स्ट्रांग पार्टी है सामने की तरफ, तो उसने एक बार में हार के मेघनाथ को बोला कि तू कुछ कर, और मेघनाथ ने अपना नागपाश चलाया था, ठीक है। तो जब वो चलाया था तो दोनों राम लक्ष्मण दोनों बेहोश हो गए थे। तो यहां बात समझने वाली ये है कि राम जी भी तो मायावियों के अगेंस्ट ही लड़ रहे थे ना। जैसे यार कहा जाता है ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट आप लड़ते हो तो यहाँ तो तब लड़ो जब विजयी हो सकते हो, नहीं तो आप पे अगर कुछ आ रहा है तो फिर आप शायद नहीं इक्विप नहीं हो। पर आप ये समझो कि क्या राम जी इक्विप नहीं थे, ठीक है, तो वो क्या इक्विप नहीं थे। तो उस समय उनके साथ भी तो ऐसा हुआ, वो तो हनुमान थे यानी कि शिव जी का रूप थे एक, तो वो जाके उनको उनके जान बचा ली उन्होंने। तो उसी तरह से जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको दिखता है कि इसकी हालत बहुत खराब है, अब उसको क्या बोलोगे, मैं नहीं करूंगा तेरे लिए, मैं कर नहीं सकता। तो हम ही कर्मों की बातें करते हैं, और हम ही अगर कर्मों को छोड़ दें तो फिर हम कहां खड़े हैं। वो भी कर्म जो आपने खुद चुना है कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है यार, आप मैं कहता हूँ 100% नहीं कर सकते, 80% कर सकते हो, 60% कर सकते हो, बाकी जो आपका विश्वास इस भगवान पे है बाकी वो भगवान कर देगा ना। उस समय में तो एक भगवान को बचाने के लिए दूसरे भगवान ने हेल्प की थी ना। तो मैं जब किसी का भला करना चाहता हूँ तो मेरी मदद भी मेरा भगवान करे। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है सर कि आप किसी का हेल्प कर रहे हो, या आप किसी की रेमेडी कर रहे हो, या किसी का कुछ उतारा वगैरह करवा रहे हो, और आपकी खुद की मतलब वो हालत टाइट हो जाए? बहुत कुछ हुआ। अच्छा, वो एक बार की बात है, एक होली के टाइम पे हमने फ्री हीलिंग की थी, तो काफी 50-60 लोग थे जिनकी हीलिंग की गई थी, तो 1x1 की गई थी। उनमें से एक क्लाइंट थी जिनको ना कैंसर था, इस बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि नॉर्मल हीलिंग चल रही थी कि चलो होली के टाइम में फ्री हीलिंग करेंगे, पर नॉर्मल हीलिंग के लिए जो लोग आते हैं उसमें एक कैंसर वाला पेशेंट भी था। अब यहाँ ये कह रहे कि उस पेशेंट ने उस रात को जाना था, और जब मैंने उसकी हीलिंग करी तो उस समय मेरे हाथ में क्रिस्टल्स थे, ठीक है, मतलब क्रिस्टल्स का जैसे होता है ना ऑयल निकल आता है, क्रिस्टल्स का ऑयल होता है, ठीक है, तो वो ऑयल पूरा मेरे हाथ में था और मैं क्रिस्टल्स को छोड़ नहीं पा रहा। अगर मैं ऐसे हाथ करके ऐसे करता हूँ तो क्रिस्टल गिरे नहीं, तो ऐसे हो रहे थे मेरे साथ। और वो सुबह 3 बजे तक मेरे ऐसे चला, मैंने रात को तकरीबन 11:45 के आसपास उनकी हीलिंग शुरू की थी, मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था हीलिंग, चलती जा रही है, और सुबह जिस समय वो क्रिस्टल मेरे हाथ से छूटे उस समय उनके प्राण निकले। तो अब ये समझ लो कि शायद उस डेट पे उनको जाना था, वो नेक्स्ट डेट पे वो पोस्टपोन हो गया उस हीलिंग की वजह से, बट वो ऐसी लाइफ सेविंग वाली हीलिंग नहीं थी, वो एक नॉर्मल हीलिंग थी, उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि आपकी पूरी रात वो एनर्जी एक तरीके से वो आपकी एनर्जी उनकी तरफ जा रही थी जो उसको जिंदा रखे हुए थी। तो जिस समय वो लिंक टूटा, क्योंकि एक बार एक टाइम पे आके तो इंसान की भी अपनी हालत खराब हो जाती कि भाई कितनी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि हीलिंग क्या होती है, हीलिंग हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हो, ये कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मतलब जैसे फोन होते हैं, ठीक है, आप एक बात को देखो, आप जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन ज्यादातर खेतों में से जाती है, ठीक है, आपको आपको उस समय लगता है कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, बाहर खेतों में लोग दिखते हैं उनके पास तो फोन होंगे, बाहर फैक्ट्रियां दिखती हैं क्या उन लोगों के पास फोन नहीं होंगे, उनके पास तो सिग्नल आ रहे हैं, यानी कि वहां पर जो टावर लगा हुआ है ना वो उस कैपेसिटी का लगा हुआ है कि वो उन लोगों को कैटर कर सकता है। आपकी ट्रेन तो कुछ सेकंड भी वहां से गुजरेगी इसलिए आपको कैटर नहीं करा। तो क्या होता है कि ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी तो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स में, आप जब हीलर बनते हो तो एक तरह से आप एक रिसीवर बन जाते हो, एक वो टावर बन जाते हो कि आप यहां से रिसीव कर रहे हो, प्लस आपकी भावनाएं जो जुड़ती हैं उनके भावनाओं के हिसाब से आपके हाथों से एनर्जी जाती है। वो एनर्जी जा रही है उसके बीच में आपने क्रिस्टल्स को पकड़ा हुआ है, जो भी पकड़ा हुआ है उसको और एनहांस कर दिया, एनहांस करने के लिए, क्योंकि क्रिस्टल की प्रॉपर्टी क्या है, तो नेगेटिव एनर्जी को खींचती साथ ही साथ वो पॉजिटिव एनर्जी को आपके अंदर फील करती है, ठीक है। तो उसकी भी कैपेसिटी एक टाइम पर आते हैं वो क्रिस्टल टूट जाते हैं, ठीक है,
तो इसीलिए वो उस समय में लीक करते हैं कि उसका ऑयल निकल रहा था। तो करते 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 जब मेरी बस हुई और वो छोटे मेरे हाथ से, तो उसके उसी वक्त उसके पान निकले। और अगले दिन उसके हस्बैंड का मेरे पास मैसेज आया था कि सुबह 3 to 3:30 उसकी डेथ हुई, और वही टाइम था जब मैंने वो छोटी थी मेरे हाथ से। तो ऐसा एक हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत काफी खराब हुई थी। बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज पूछनी है आपसे कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में, जैसे अभी हमने मोस्टली आकाशिक PLR और उसकी बात करी है, किस किस सर्कमस्टेंसेस में हमको PLR करवाना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं। जो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं यार कि मेरे को PLR कराना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो चीजें याद आ जाती हैं जो आप, जो भगवान चाहता है कि आपको याद आए। ऐसे केस बताया था आपको, मेरे पास एक आंटी आई थी रोपड़ से, वो आई पहले से, मैंने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, प्रैक्टिस करके आई थी। तो आई तो पहले मैं उसके साथ इंट्रैक्शन हुआ, तो मैंने कहा जी आप क्यों करवाना चाहते हो, रीजन क्या है। कभी कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, बस मेरे हस्बैंड में डेथ जल्दी होगी। तो मैं कब होगी उनकी डेथ, मेरा 69 के थे, तो मेरे हिसाब से 69 भी ओके ओके एज है, ठीक है। मैंने उनसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगी तो उनके पास कुछ भी डिटेल नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में वो नहीं नोट किया करते थे। तो फिर मैंने उनसे ना उनकी डेली दिनचर्या पूछी, क्या क्या कर रहे हो। तो कहते कुछ नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे, पेंशन आती है, अच्छा किराया किराया भी आता है, घर का किराया भी आता है, पैसा भी कोई कमी नहीं है, बच्चे दोनों ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। तो एक गर्मी की छुट्टियों में आता है, एक सर्दी की छुट्टियों में आता है। वेरी गुड, मतलब एक के टाइम पे जब हमारे यहाँ पर सर्दी होती थी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती है क्रिसमस टाइम, एंड वैसे वर्षा। तो वैसे वो आते जाते रहते हैं, एक सुबह में कॉल करता है वीडियो कॉल, एक रात के टाइम वीडियो कॉल करता है। तो मतलब हमारा इंट्रैक्शन ऐसा चलता रहता है, मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती कि मैं अकेली, यहाँ तक कि मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई सारा संबंधी भी अगर होता है, मेरे को तो चाय भी नहीं बनानी पड़ती, यहाँ तक मुझे काम नहीं करना पड़ता, मेरे को कोई मेड की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम कभी कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास यही, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं कहा फिर पीला मत करो, कहते क्यों, तो मेरे को भी इतनी अच्छी लाइफ चाहिए, कुछ उल्टा उल्टा देख लिया, तो मैं कहा आप तो कभी देख लो, मैंने साइकोलॉजी में बैठ गया, हाई मैं कितना सी है, मैं कितना सी, मतलब पंजाबी इसमें बोलते हैं, वो पंजाबी बोल रही थी। तो कहते बेटा मैंने तो पेमेंट कर दी, तो मैं कहा पेमेंट कर दी तो कोई बात नहीं, जो आपकी कंसल्टेंसी हुई है उसके चार्जेस दे दो, बाकी ले दो, रिफंड ले लो आप। तो ऐसे कलर हम कलर को रिफंड भी कर, रिफंड बिना बात के किसी चीज को छोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। आप पास्ट लाइफ आकाशीय करवा रहे, जैसे हमारे शुरुआत में बात हुई थी कि बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी कुंडली का तरु करवाते हैं, वो परेशान है। यार देखो, तीन फेजेस होते हैं, जब बच्चा जन्मा, जब उसने कहीं पे नया करियर चूज करना है, जब उसकी शादी होनी, और फिर फाइनल अगर कभी लाइफ में कहीं दुख आ गया तो वो अपना चार्ट को एनालाइज कराता है, अदरवाइज नहीं कराते कोई भी। ऐसी पास्ट लाइफ आकाशीय है, अगर लाइफ में कहीं पर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस लाइन इसमें आओ, खुश हो, ठीक है, तो फिर क्यों छेड़ना जो चीज पता ही नहीं। जैसे मेरी मम्मी है, वो ना जब भी मेरा पॉडकास्ट होता है तो तुमने अपनी कुंडली दिखाई, मैं कहता मम्मा कितने लोगों को दिखाऊंगा कुंडली, अब हर एक से चीजें, क्योंकि हर एक अपने हिसाब से एनालाइज करेगा, हर एक आदमी मुझे नई चीज बताएगा कितनी चीजें कर लूंगा, तो मैंने दिखानी बंद कर दिया, मैंने कहा मैं किसी को दिखाने वाला नहीं। एक्चुअली मुझे क्या होता है, देखो अगर आप एक बार प्रॉपरली दिखाकर उसके नोट्स बना के रखते हो कि कब आपको कौन सी दिशा आने वाली है, कब आपको किस चीज से सावधान रहना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेमेडी समझ लीजिए, या फिर अपने जो भी देखने वाले हैं उनके लिए एक वार्निंग समझ लीजिए। बहुत से लोगों की गुरु की दिशा चल रही है, और गुरु की दिशा के बाद आएगी शनि की दिशा। तो अगर आपका शनि ठीक नहीं है, आपको पता है उसकी प्लेसमेंट खराब है, तो मेक श्योर कि उस शनि की दिशा आने से साल दो साल पहले आप हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर दो। देखो कहा जाता है कि शनि देवता जो है ना, जब आते हैं ना, तो आते हुए अच्छे नहीं लगते, जाते हुए अच्छे लगते हैं, आते हुए परेशानियां लेके आते हैं, ठीक है, बहुत स्टोर कर देते हैं चीजों को। तो हनुमान जी की पूजा अगर आप करते हो तो वो आपको इतना ज्यादा तंग नहीं करेंगे, और जाते हुए आपको कुछ ना कुछ फल देके जाएंगे, पर उनकी दशा बहुत, साढ़े सती भी जाते वक्त बहुत कुछ देके जाती है, जब आ रही होती है तो परेशानियां, परेशानियां। ऐसी पुरानी स्टोरी भी है कि मतलब एक बार माँ लक्ष्मी थी, माँ सरस्वती थी, तो श्रृंगार करके सारे ऐसे रहते हैं,
किटी पार्टी चल रही थी, मान लीजिए भगवान की पार्टी चल रही थी, तो उसमें सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि आप पे ये तो बहुत, इंद्र देव को बोल दिया कि आपका वज्र बहुत स्ट्रांग है, आपका ये बहुत स्ट्रांग है, आपका ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप विद्या की देवी हैं, आप तो आपके बिना तो मां लक्ष्मी आपके बिना तो जीवन नहीं चल सकता। तो शनि देव आए थे, मेरी तारीफ की थी किसी ने। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि वो भी तो देवियां थी, तो उनको सब पता था कि इनकी दृष्टि में नहीं आना, तो कहते हैं ठीक है एक रैंप वॉक करते हैं। तो रैंप वॉक किया, मैं बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रैंप वॉक किया तो उसमें सारे तो आते अच्छे लगे, अच्छे लगे, तो शनिदेव की बारी आई तो पता था वो रैंप वॉक करते हुए इधर आएंगे तो उनकी दृष्टि गई उन पर, तो उनको बोला नहीं आप जाके दिखाओ। तो जाते हुए, अरे शनि भगवान आप तो जाते हुए क्या क्लासिकल लगते, कितने सुंदर लगते, दुष्ट हो गए तो उनकी तो दृष्टि बड़ी क्रूर है, दृष्टि पड़ गई तो ठीक है उनको खुश रहना बहुत जरूरी है। तो आप अगर उसे उस हिसाब से देखो, हम प्लैनेट्स की बात करें, हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, आप प्लैनेट्स को ना कभी दुश्मन ना मानो, कभी ये मत सोचो कि वो अच्छा वो बुरा है, आप इनको ना अपने घर वाले सदस्यों की तरह मानो। हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग जरूर होता है जिससे हम डरते हैं, ठीक है, तो आप अगर उनकी तरह मान के चलोगे तो कभी कभार टैंपरिंग करनी पड़ती है, टैंपरिंग करोगे तो चल तो वो आपकी पेट में ऐसे जोर से मारेंगे, जा यार लड़के जा तेरे को दिया ये, ठीक है जा ले ले मेरे मेरे अलमारी में से ले ले। तो क्या हुआ, आपसे आप कुछ चाहते थे जो आपको मिल नहीं रहा था, आपने उनकी टैंपरिंग की या कहो रेमेडी की और उन्होंने आपको आशीर्वाद के रूप में वो दे दी चीज जो आपको नहीं मिल रही थी, चाहे स्लो मिले, ठीक है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को खुश करते हो। सर आपने वो नहीं बताया मुझे कि किस किस केसेस में हमें करना चाहिए पीएलआर, किस 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 चीज में हमें हेल्प कर सकते। देखो पीएलआर अगर आप बोलो, जैसे कि अभी हमारी डिस्कशन हुई है कि हॉरोस्कोप से भी पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो हम चाहें तो उससे भी रेमेडी कर सकते हैं, बट एक्चुअल इवेंट नहीं पता चलते। जैसे मैंने आपको बताया एक डॉक्टर ने एग्जाम्पल दी कि उनको रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि वो कुंड में राशि दिखती थी, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो वो इवेंट बेस्ड है, उसे भी ठीक करना, उसको पास ले को थेरेपी बनाना, तो फिर आप पासिव करो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ एक ही जगह परिवार में सबके सब ठीक प्रॉस्पर हो गए, हम नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो यार ऐसा मैंने तो पाप कर दिया भाई कि कुल देवी देवता जो है इस कुल के जो देवता है वो सबको आशीर्वाद देने मुझे नहीं दे, तो कुछ तो पास का ऐसा हो सकता है तब करवा दो। कुछ लोग क्यूरोसिटी में भी करते हैं, ठीक है, क्यूरियस हो करवा लो, बट जैसे कहते हैं ना भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने आप को पहचानो, तो पहचानने के लिए करवा दो तो पहचानो, बट उसके लिए इतने आइडिया में तो जाओ कि भैया जो आएगा मैं तो उसी के मानूंगा, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना उस समय बहुत जरूरी होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड जरूरी है तो कॉन्शियस माइंड भी जरूरी है, लॉजिक एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग। एक मेरे केस आया मेरे पास, एक लेडी कहती है कि मुझे अपना पास लाइफ कराना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट में मेरे देवल जी की तरह ज्यादा और पुराने दिन में उन्होंने देखा तो उनके हस्बैंड थे। अच्छा, मैं तो नहीं हूँ अपने पति के साथ। ऐसा भी होता है क्या सर, कई बार मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे हम लोग ट्रांस में होते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वही चीजें दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ऐसा होता है, कई बार होता है, इसीलिए कई लोग जो जाते हैं वो उसमें बिलीव कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। देखो दो तरह के सपने भी आते हैं, ठीक है, एक तो वो होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है उसी हिसाब से आपको सपने आते रहेंगे, पर कई बार आउट ऑफ द ब्लू कुछ ना कुछ निकल आता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इन्हीं सपने में देख रहा हूँ कि मैं किसी गुरुद्वारे में गया हूँ, वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के शस्त्र दिखाए जाते हैं, मैंने ऐसा गुरुद्वारे कभी देखा नहीं था, पर जब मैं पहली बार अनंतपुर साहिब गुरुद्वारे गया तो मैंने वही चीजें देखी। अच्छा, तो वो मेरे सपने में था, वो मेरे ऐसे था जैसे मैं एक एस्ट्रल ट्रैवलर करके आया था, ठीक है। उसी तरह से जब आप पास में जाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है कि आप नींद में चले जाते हो, आप ट्रांस में जाते हैं, आप वो देखने शुरू कर देते हो जो एक्चुअली आप देखना चाहते थे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो नेविगेटर है, यानी कि जो पास लाइफ आपकी करवा रहा है, वो आपको किस तरह से नेविगेट कर रहा है। ओके, सिर्फ बोलता रहेगा तो आप तो नींद में चले जाओगे, फिर तो कुछ भी देख के आ जाओगे। और बहुत से लोग मतलब क्या करते हैं, आएंगे सेशन के लिए बुलाएंगे, उनको लिटाएंगे, बहुत अच्छा ऑरा कर देंगे रूम का, और रिकॉर्डिंग लगा के खुद कमरे से बात चले जाएंगे। अच्छा, तो वो सोचते हैं पीला ऐसे हो जाता है। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा कि जब दो लोग परिवार के दो ही भाई हैं,
उन दोनों में सोने के पैटर्न में फर्क है, तो फिर ट्रांसमिट जाने के पैटर्न में फर्क हो सकता है। अब एक ट्विंस है, एक ही प्रॉब्लम है तो उसके रिश्ते नहीं बनते, एक ही प्रॉब्लम है उसके लिए पैसा नहीं टिकता। ट्विंस है वो, एक ही जन्म में जन्म लिया था, दो चार का फर्क था, तो कोई ऑलमोस्ट सिमिलर बट उनकी प्रॉब्लम तो अलग है ना, तो ये कैसे हो सकता है रिकॉर्डिंग चल रही, अरे वो उसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम और तो उसको पैसे के बारे में पूछे जाते, ऐसा क्या किया था पुराने जन्म में आपने के आपके आज आपके पैसे नहीं टिक रहे, बोलो मैं तो रिलेशनशिप के लिए आया था, तो वो जो प्रोसेस होता है गलत हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप सेशन के लिए जा रहे हो तो आप ये सोचो कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ जो कहीं से भी मेरे को उसका जवाब नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो फिर डेफिनेटली जाओ, क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में जानना चाहते हो तो जरूर जाओ, ये जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें जितनी भी पीछे की लाइफ दिखी नहीं है, जो राक्षसों के बारे में सुना है, वो क्या करते थे, जिंदा रहने के लिए, अमृत पाने के लिए, ताकि मैं कभी ना मरूं, इसके लिए करते थे। पर आप ये बात सोचो ना, ये मर तो सिर्फ शरीर है, आत्मा तो जिंदा है, यानी कि तो वो अमर है, तो फिर हम अमरता की तरफ क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये जान जाए कि पहले भी मैं किसी और रूप में था, आज भी हूं, कल आने वाले टाइम में किसी और रूप में रहूंगा, तो फिर आप इस तरफ इस तरह से गलत काम नहीं करोगे ना, माया की तरफ नहीं भटकोगे। फिर आपको लगता है यार अपने कर्म में जरा ठीक कर लूं, क्योंकि मुझे आज भी कल, आज नहीं तो कल मरना है और उसके बाद अगला जन्म मेरा है, ताकि वो ठीक हो जाए मेरा। और जो खेल समझते हैं वो तुम माई करे, सही बात है, ठीक है। जो देखो, जो गीता पे विश्वास रखता है, जो भगवान कृष्ण पे विश्वास रखता है, जो अपने वेदों पे विश्वास रखता है, वो जरूर करे। इसी नोट पे करते हैं आज का हम लोग एपिसोड एंड। मुझे अमेजिंग मजा आया, अमेजिंग आपने जो किस्से सुनाया और जिस तरीके से आपने इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया ना, वो बहुत रेयरली बहुत कम लोग कर पाते। कई बार मेरे सवालों के ना वो लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, मुझे जवाब नहीं मिलते, तो फिर मैं भी चलो ठीक है, मुझे करना तो यही खत्म। पर लेकिन मजा आया, होपफुली आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ बात करके। बिल्कुल आया, बहुत अच्छा लगा। तो भाई आप लोगों को अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए कंसल्टेशन लेनी हो तो तुलिका मैम है, PLR, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी, आई थिंक आप रेकी भी करते हैं, जैसे हमारी कई तरीके की हीलिंग्स होती हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे से तो आप कांटेक्ट करते रहो, कमेंट में डालते रहा करो, कोई भी नई चीज़ देखनी हो अपने सजेशंस बिल्कुल कमेंट्स में डाला करो, और देखते रहो तरुण शर्मा शो। एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना और कॉमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।